जी आपको आवाज आ रही है? पहले तो मुझे बताइए, आवाज आ रही है आपको? वॉइस बहुत कट रही है सर। आपकी थोड़ी सी देखिए, क्योंकि आवाज आ रही है सभी को, प्लीज कंफर्म इट, है ना? आ रही है जी सर आपकी, आ रही हाँ, तो अब आप सभी से, एक तो सबसे पहले सभी का स्वागत है और हम डिस्कशन करेंगे इसमें, और जो भी आपके क्वेश्चन है एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछे ताकि सभी का क्वेश्चनों का नंबर आ जाए। और प्लीज़ अपने क्वेश्चन को थोड़ा समराइज रखें, जिस तरीके से हमें 250 को 150 में कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ भी अपने क्वेश्चन को थोड़ा समराइज रखें ताकि ज़्यादा समय ना लगे हमारा, काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो अब आप जी। पूछिए रेहान जी, आपका क्या क्वेश्चन था? हेलो, जी हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। तो उसमें जो योजना का मैगजीन आती है वही नहीं मतलब हमारा ना सर, मतलब कौन से ज्वाइन करें? अरे भाई, योजना कुरुक्षेत्र तो मैगजीन आती है, उसको ज्वाइन करने की बात है, उसको पढ़ना है आपको, और पढ़ने का तरीका के लिए मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा, तो उस तरीके से पढ़ना है उसमें, कोई ऐसा नहीं किसी कोचिंग से पढ़ने आए। कई बार लोग यही बोल रहे थे, एक डाउट हुआ था मुझे पहले, कुछ लोग बोलते सर मैं पढ़ता हूँ योजना कोई कोचिंग की, योजना कुरुक्षेत्र कोई कोचिंग की मैगजीन नहीं है भाई, ये ऑफिशियली मैगजीन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको निकालती है, ठीक ठीक है ना? तो इनको आप ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कुछ मैंने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके बताया कि किस तरीके से ये करंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि योजना और कुरुक्षेत्र आपके केस स्टडी के लिए, आपके सजेशंस के लिए, आपके सॉल्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट के स्कीम्स के लिए बहुत तरीके से आपके क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन का काम करती है, इसलिए इनको थोड़ा प्रिफर किया जाता है। सेकेंड चीज, पूरी तरह ऑथेंटिकेट डेटा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैगजीन होती है वो, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी डेटा दिया गया है, वो एकदम करेक्ट माना जाता है, हाँ ठीक है सर ना? तो ठीक। उसको आपको पढ़ने का एक मैं वीडियो बना दूंगा, कैसे पढ़ना है आप खुद ही पढ़ सकते हो उसमें, आप ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग के नोट्स, क्योंकि कोचिंग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समराइज करता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समराइज करना, ठीक है? ठीक, जी जी ओके, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन? सर, मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ कि मैं पढ़ तो भूल रहा हूँ और नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए हैं, लेकिन पता नहीं रिवीजन करने का जो है मन नहीं कर पाता है। तो आप ऐसा कुछ हाँ बताएं मतलब किस तरीके से रिवीजन का शेड्यूल का रहे और अच्छे से रिवीजन हो जाए, क्योंकि बिना रिवीजन के तो फायदा फिर मिलेगा नहीं। देखो, एक्चुअली मैं आपसे कई बार, पहले पता नहीं आप जुड़े होंगे, कई बार मैं हर जगह यही चीज बोला था, रिवीजन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम जनरली हल्के में लेते हैं, हम पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, भाई जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक उसका कोई खास आउटपुट है नहीं है। आप एक बार पढ़ लिए, किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं है कि उसको परमानेंटली याद रखें। रिवीजन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ध्यान देना है टाइम पे, कि कितने टाइम में आपका रिवीजन होना चाहिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहला रिवीजन तुरंत दूसरे टॉपिक पे बढ़ने से पहले ही आपका पहला रिवीजन होना चाहिए। आप दूसरे टॉपिक पे जब जाओ ना, तो पहले पहले वाले टॉपिक का रिवीजन करो, पहली चीज। दूसरा रिवीजन आपका कम से कम, मैं ये कहूँगा, एक दिन बाद, अगर कोई नया टॉपिक पढ़ रहा हो तो एक दिन बाद भी उसमें एक और रिवीजन थोड़ा सा मारना चाहिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप तुरंत करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में वो बहुत सारी चीज़ें क्लिक होती रहती है, क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ी है। लेकिन यदि रिवीजन में गैप दे दिया तो वो चीज़ें धीरे धीरे जीरो हो जाती है। हम क्या करते हैं, कोई बुक्स पढ़ेंगे या कुछ भी नोट्स पढ़ेंगे, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, और उसमें जब वो खत्म होगा तब सोचेंगे पहला पेज का रिवीजन भी करना है, इतने में पहला पेज आपका जीरो हो जाएगा। जी सर, वो गायब हो जाता है दिमाग से। जीरो नहीं करना है उसका तरीका, आपको ये करना है कि देखो रिवीजन के बीच में गैप मत रखो। अब आपको रिवीजन कई बार बोर लगता है, क्या चीज को पढ़ रखी है, इसको कैसे रिवाइज करूँ, उसके लिए अपने पास एक रफ कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, और उसमें ड्रॉ करते जाइए कि भाई ये पॉइंट मैंने पढ़ा, इसमें ये पॉइंट और हो सकता है, उसको चीज़ों को रिमाइंड कीजिए। कई बार क्या आपको लिख के रिमाइंड करने में थोड़ा उसमें आप जुड़ जाओगे, अब माइंड में कर रहे हो आप सोच के, अचानक किसी दोस्त की कोई बात याद आ गई, ध्यान डाइवर्ट, ठीक है ना? अचानक कोई इशू आ गया, आपका ध्यान डाइवर्ट, इसलिए अगर लिख के करोगे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और प्लीज़ कोई भी टॉपिक पढ़ो, उस पर थिंकिंग के लिए 5 मिनट ही सही, बट टाइम जरूर दो, उसको सोचो थोड़ा सा अपने माइंड से, उससे बहुत सारा वैल्यू एडिशन आपके उस क्वेश्चन में होता है, मतलब जो भी आपने पढ़ा उसमें होता है। रिवीजन करने का एक और ड्यूरेशन का मैंने बता दिया, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, पहला रिवीजन तुरंत, दूसरा रिवीजन एक दो दिन छोड़, तीसरा एक वीक में, चौथा आप 15 दिन दे सकते हो, ये रिवीजन का आपका होना चाहिए। रिवीजन का उद्देश्य होता है जो टॉपिक आपने पढ़ा है परफेक्टली, आप कॉन्फिडेंट हो इससे कोई भी चीज़ पूछी जाएगी आप उसका आंसर सही से दे दो। सेकंड, रिवीजन करते समय हमें एक चीज़ हमेशा रखनी चाहिए,
कि केवल रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हूबहू वही पढ़ना है, रिवीजन का मतलब होता है उसमें कुछ न कुछ ऐड करना। प्री में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, करंट में कोई खबर चल रही है क्या इस टॉपिक से, उनको वैल्यू एडिशन के रूप में ऐड करना, वो है असली रिवीजन। फॉर एग्जांपल आप हड़प्पा कालीन कोई चीज ही पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, एक एग्जांपल। अब हड़प्पा को लोग सोचेंगे सर कैसे यूज कर, अरे हड़प्पा की सारी चीज़ें आपके चारों ओर देखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसमें आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा में जो भी उनकी सोशल स्टेटस कैसा था, तो हमारी भी महिलाएं, हमारे भी मतलब जो इस समाज की स्थिति है, क्या वो स्थिति हड़प्पा में थी या नहीं थी, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी, कुछ ना कुछ थिंकिंग से करोगे आपके क्वेश्चन में उतना ही वैल्यूएशन और आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती जाएगी, तो फिर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जिस तरीके से इस बार प्री का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए स्टेटमेंट, तो वो तभी याद हो पाएंगे, तभी उनको याद रख पाओगे जब उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज इतना ज्यादा फैक्ट किसी के बस की बात नहीं कोई याद रख, ठीक है। थोड़ा सा उसको वैल्यूएशन ग्रुप लीजिए। हाँ नेक्स्ट आप प्लीज एक एक करके पूछिए, सभी के क्वेश्चनों का दिया जाएगा। ऐसे पहले तो आप जिसने भी क्वेश्चन पूछा प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप थोड़ा समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यस सर जी। ओके ओके थैंक यू। नेक्स्ट सर सी सेट को कैसे कवर करें? सी सेट को जी सी सेट सबसे बड़ी समस्या बन चुका है इस बार, और सी सेट पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ क्योंकि इस तरीके की सी सेट का तो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन आएगा भी ना मैथ में तो भी करना पॉसिबल नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था। सी सेट का जो अभी के पैटर्न के हिसाब से एक नजरिया रखा गया है कि अभी एक तो थोड़ा सा जिनकी बिल्कुल ही जीरो है या थोड़ा बहुत भी आता है, प्लीज इस बार सी सेट को अपनी तैयारी के पार्ट के साथ ही चालू करें, जो हम नहीं करते थे। हम जनरली सी सेट को या तो प्री के दो चार एक आध महीने पहले पढ़ते थे या कुछ चीजें करते, इस बार उसको अपनी समस्त तैयारी का एक पार्ट के रूप में तैयार करना, ये बात दिमाग में बैठा लो इस बार, क्योंकि सी सेट ही इस बार फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। कोई भी वो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो सी सेट की वजह से ही फेल होंगे इस बार। अब सबसे पहले तीन पार्ट है सी सेट, ठीक है ना। पहला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट दोस्तों हिंदी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए थोड़ी बहुत मैं ये कहूँगा आपको रूटीन में आदत डालो कि छोटा मोटा दो चार शब्द आप इंग्लिश के भी समझ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आनी चाहिए इंग्लिश परफेक्टली, नहीं आनी मैं उसकी नहीं कहूँगा, बस दो चार कॉम्प्लिकेटेड शब्द जिनको अगर हिंदी में ना समझ पाए तो इंग्लिश से समझ जाओ, आपको एक आइडिया लग जाए, थोड़ी आदत उसकी डालो। और पैसेज पढ़ने की आदत शुरू से ही डालो, डेली कभी बैठे पाँच पाँच एक पैसेज पढ़ लिया उसको दो क्वेश्चन दे दिए, तीन पैसेज पढ़ लिया उसको तीन क्वेश्चन दे दिए, तो कंटिन्यू एक तो पैसेज पढ़ने की आदत डालो और यूपीएससी के आंसर के पैटर्न को समझो, मतलब एक तरह से उसके पिछली आंसर की के माध्यम से कि यूपीएससी इस परसेप्शन के दौरान या इस सिचुएशन के दौरान किस तरीके का आंसर मानती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम आंसर को मैच नहीं कर पाते सी सेट में, क्योंकि सी सेट में कंपेरिजन पार्ट के कई क्वेश्चन यूपीएससी अलग तरीके से मान लेते हैं। थर्ड, आपको एक मैथ के लिए बेसिक मैथ पहले स्टार्ट करो, जिनकी मैथ बिल्कुल जीरो है पहले वो बेसिक मैथ को स्टार्ट करो, तब इस प्रकार की कॉम्प्लिकेटेड जो डिटेल मैथ है उस पर आ जाना, क्योंकि आपने यदि पेपर देखा हो तो उसमें 15 से 18 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिनको आप इजी तरीके से कर सकते थे, बट हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों के चक्कर में उनको नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों से नहीं। तो हमें एक तो पहले बेसिक सीखना है, बेसिक में कुछ नहीं, आपको नंबर सिस्टम परसेंटेज लॉस प्रॉफिट इसकी बेसिक आप सीख सकते हैं, और बेसिक सीख के फिर आपको उस लेवल पे जाना है। तो अगर कोशिश करना कि अगर कोई उस प्रकार के सवाल आपको करवाता है तो उस चीज़ की हेल्प इस बार जरूर लेंगे, कोशिश करेंगे अगर हमसे हो पाएगा हम कुछ उस टाइप के क्वेश्चन करवाने की हेल्प करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक रीजनिंग सीखो, पहले आप बेसिक मैथ सीख लो, और पहले आप थोड़ा सा कंप्रिहेंशन पार्ट पढ़ लो अपने लेवल पे, इसको तो तैयार कर लो सी सेट में, और डेली अगर बिल्कुल ही जीरो सी सेट है तो कोशिश करो कि सी सेट को थोड़ा टाइम दिया जाए, ठीक है ना। सी सेट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपकी चाहे मैथ में कितनी जबरदस्त तैयारी हो, सी सेट नहीं है आप फेल हो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो नाउ अभी चल रहा है इस दौरान यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सी सेट को अपना एक प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ जो हम नहीं बनाते जब तक। सर मैप कैसे कवर करें? मैप मैडम मैप की बोल रहे ज्योग्राफी के लिए है ना? हाँ जी सर। मैप आपकी पूरी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन नहीं, आपके जीएस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप अगर हिस्ट्री ऑप्शन के स्टूडेंट हैं वहाँ भी मैप आपके लिए काफ़ी रोल निभाता है, वो अलग टाइप का मैप हो जाता है। लेकिन मैप को देखो तैयार करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखना कि आप मैप ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको एक दिन में याद रखा जा सके, ठीक है ना, या उसको एक दिन से याद किया जाए। सबसे पहले आपको ऑल ओवर एक मैप पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे बोल दूँ तुरंत
कि जाम्बिया एक कंट्री है, केन्या एक कंट्री है, आपका माइंड तुरंत जाना चाहिए कहाँ होगा ये, किस लोकेशन पे होगा, और वो चीज़ याद करने से नहीं आएगी मैडम। सबसे पहले तो आपको दो मैप आपके समक्ष सामने लगाइए, आपके सामने लगाइए, जहाँ आप बैठते हो जहाँ पढ़ते हो वहाँ सामने लगाइए, और डेली ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-5, 10-10 मिनट आप उनको देखिए, 5 मिनट ही देख लो, 5 मिनट खाना खाते टाइम भी देख लो, बात करते टाइम भी देख लो, जैसे भी 5 मिनट उनको देखिए, और एक तरह से पहले ज्योग्राफी इंडिया का देख लीजिए, फिर विश्व का देख लीजिए, पहले पॉलिटिकल मैप कि कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ पे किस तरीके से महाद्वीप है, पहले ऐसा नहीं कि आपको ये चीज़ देखना है कौन कौन सा देश है कहाँ कहाँ पे महाद्वीप है किस तरीके से, आपके माइंड में लोकेशन हो जानी चाहिए हाँ कहाँ सेटअप है। जैसे अगर मैं देखूँ मुझे पता है कि ये अमेरिका, इसके नीचे साउथ अमेरिका, ठीक है ना, इसके बाद ये यूरोप या अफ्रीका, इधर एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, एक माइंड सेट डेवलप हो जाना चाहिए, प्लीज म्यूट रखें, एक माइंड सेट डेवलप हो जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से लोकेशन, ये चीज़ आपको देखने से होगी, याद करने से नहीं होती मैपिंग, आपको डेली देखना है, थोड़ा सा 5 मिनट प्लीज म्यूट रखिए, 5 मिनट ही दीजिए आप, 5 मिनट उसको देखो, तो उससे आपको एक तो बेसिक बाउंड्री पता लग जाना चाहिए कि किस किस देश में किस तरीके से, मतलब हमारा मैप क्या है। चेक, जब भी कोई करंट का इंसिडेंट आप अखबार में पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, या आपकी बेसिक की किसी चीज़ में पढ़ते हो, तो मैप को जरूर उसमें यूज करो, अगर कोई लोकेशन है तुरंत मैप पे जाइए कहीं, ठीक है ना, उस पर आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको बेसिक मैप पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, इनके बारे में पता होना चाहिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये किस तरीके से हमारी जलवायु को इफेक्ट करती है, क्योंकि यदि आप मैप आपके माइंड में सेट कर लिया, ज्योग्राफी का 50% पार्ट आप समझदारी के साथ कर लोगे। जैसे कोई अगर बोले कि इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या जलवायु हो सकती है, इक्वेटर पे क्या मतलब एक तरह से मिट्टी हो सकती है, इक्वेटर पे किस प्रकार की अगर कोई मानव बस्ती डेवलप होगी तो कैसे होंगे, वनस्पति कैसे होगी, ये सभी चीज़ें आपको पता लग जाएगी यदि आपके माइंड में एक मैप बना हुआ है, इक्वेटर इन इन देशों से होकर गुजरती है और इक्वेटर की क्लाइमेट की ये विशेषता होती है। तुरंत आपसे पूछेगा इंडोनेशिया में कैसी बरसात होती है, आप बोलेंगे हाँ इंडोनेशिया इक्वेटर के पास आता है, इंडोनेशिया में सदाबहार बरसात होगी डेली, और वो बरसात कौन सी होगी, संवहनीय बरसात के रूप में होगी, क्योंकि डेली भूमध्य रेखा पर दिन में तापमान ज़्यादा होता है, सूर्य का आर भर हवा का आरोहण होता है और शाम को बरसात करता है, ये सिचुएशन रहती है। अगर आपको पता है कि यहाँ इक्वेटर है वो आपके इंडोनेशिया के गुजरती है, मेजर रोल है मैप का, लेकिन मैप को पहले दिन से थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखो, आज मुझे जस्ट पता होना चाहिए कि हमारे 5 महाद्वीप 7 महाद्वीप 5 महासागर होते हैं, इसी प्रकार इंडिया का भाई इंडिया के इतने स्टेट हैं, इनके पड़ोस एक दिन इतना देख लिया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, आप एक ही दिन में मतलब ऐसे मत सोचना मुझे एक ही दिन मैपिंग में ज्ञान, तो डेली 5-10 मिनट 5-10 मिनट आप मैपिंग पे दीजिए, ठीक है, आपकी मैप बहुत अच्छी हो जाएगी, जब भी कोई लोकेशन आई तुरंत मैप में लिंक कीजिए उसको, आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज में आ जाएगा। तो मैप कोई याद करने की चीज़ नहीं है दोस्तों, मैप को ऑब्जर्विंग करने की चीज़ है, और आपके माइंड में एक मैपिंग करनी चाहिए, हाँ ये लोकेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि पेपर टू, मैडम पहले संजय जी पहले, मैडम आप इसको समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, जिसने भी क्वेश्चन पूछा ये, ठीक है जी। सर मेरा सवाल ये था कि सर पेपर टू और पेपर थ्री में सर जो कंटेंट एनरिच होता है सर, जो करंट अफेयर अपडेट होता है सर, वो सर इशू आ रहा है कि स्टेट पीसेस का सर मेरा मेंस आने वाला है, मान के चलिए सितंबर में, तो सर लग रहा है कि इनका सर करंट अफेयर कहाँ से अपडेट किया जाए क्या सर? देखो एक्चुअली में ध्यान रखना, करंट अफेयर तो नॉर्मली यार हम अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी को मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से में देखो, देखो प्री में स्टेट पीसीएस थोड़ी करंट का लेवल अलग हो जाता है, लेकिन मेंस में जब तक लगभग लगभग वो यूपीएससी के टैप का ही उनका करंट अफेयर रहता है, ठीक है ना। आप पिछले एक साल की पढ़ो देखो, अब मैं ये पिछले एक साल पर ही हम विश्वास करते हैं, पढ़ने के लिए मैंने बताऊँ, अगर आप मेंस के लिए पढ़ो, मैं प्री के लिए इनको प्रिपेयर नहीं करूँगा, मेंस के लिए एक मंथली मैगजीन पढ़ लो, आप दृष्टि की पढ़ लो चाहे विजन की पढ़ लो, फर्स्ट एक कुरुक्षेत्र और योजना में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रूरल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत आता है इसमें, रूरल डेवलपमेंट है वो कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको स्टेट पीसीएस में आपको बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, जीएस थ्री के अंतर्गत आपकी बहुत हेल्प करती है योजना और कुरुक्षेत्र, जीएस थ्री और जीएस टू, ठीक है ना, तो वो आप दो फॉलो कर सकते हैं। स्टेट की जो आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हो उस स्टेट की जो मिनिस्ट्री है उनकी 2-4 साइट आप फॉलो कर सकते हो, बीच बीच में कोई वो स्कीम तो नहीं लेके आई, कोई बड़ा डेवलपमेंट तो उन्होंने नहीं किया, उससे आपको वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफिशियली डेटा मिल जाता है, ज़्यादा नहीं। अब देखो ऑफिशियली डेटा मिनिस्ट्री की साइट पे, जैसे आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वही होम मिनिस्ट्री,
तो स्टेट को होम मिनिस्ट्री का थोड़ा देख ले, कोई पुलिस को लेकर के कोई नया सुधार किया है क्या वो देख सकते हो। तो एक अर्बन मिनिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हो, लोकल गवर्नमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं उस मिनिस्ट्री को देख लो, इससे आपका डेटा वहाँ से हो जाएगा। बस एक इन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है बस ये। और सैट ऐसा नहीं है कि डेली देखने बैठ गए, सैट तो एक दिन देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा देख लिया बस, ठीक है। सैट को रेगुलर फॉलो नहीं करना पड़ता, लेकिन आप यूपीएससी के लिए स्टेट पीसीएस के लिए आप एक ही रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। बस स्टेट में एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेट पीसीएस के लिए स्टेट मिनिस्ट्री की साइट्स पे जरूर जाना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्ट्री के आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो वो है, बाकी दृष्टि भी निकालती है अपना स्टेट पीसीएस को लेकर करंट। सर मेरे से क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो संजय जी इस तरीके से अब मेंस में ध्यान रखना, मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर का जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा वो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस यह है कि करंट अफेयर आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट बहुत करती है फैक्ट डालने के लिए, केस स्टडी डालने के लिए, मेंस के क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन करने के लिए, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर। जी सर, थैंक यू सर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट किसी ने पूछा था अभी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैम ने बताया है हिस्ट्री ऑप्शनल का, तो इसमें मैम ने उपेंद्र सिंह और आर एस शर्मा, बालियान सर के नोट्स, मणिकांत सर के सब कुछ बताया सर, कवर करने में बहुत दिक्कत हो रही। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं मैडम उसको आपको बता दूं, उपेंद्र देखो कवर करने में टाइम कब लगता है सभी के साथ ही होता है, कवर करने में अगर आप पढ़ने में रह गए हो ना तो आप कवर नहीं कर पाओगे इतना लॉट ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड चीज, अगर आप जस्ट कॉपी करने में रह गए तब भी आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। मैंने ये बोला है कि एक जैसे मैं आपको सबसे पहले एंसाइन हिस्ट्री पर लेके जाता हूँ, ठीक है ना, जो आपके लगभग लगभग 120 मतलब आपके पेपर का 125 नंबर का पार्ट होता है एंसाइन हिस्ट्री, ठीक है ना, ऑप्शनल वालों के लिए। अब जैसे आपने बुक्स रखी उपेंद्र सर का आपके सामने रखी हुई है, फिर आप सर के नोट्स वो आपने साथ रखे हुए हैं, और इधर आपको तैयारी करनी है, आपको लिखना है जो भी करना है ना। अब आपको एक पीवाई को देखते हुए, हर टॉपिक के पीवाई को की आती है लिस्ट, आप सभी जानते हैं हर टॉपिक का पीवाई को बुक पड़ी हुई है, आप वो पीवाई को अपने पास रखिए, मेंस में क्वेश्चनों की ट्रेंड फाइंड आउट कीजिए, हाँ इस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं। तो मैंने उठाया सबसे पहले मतलब पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल को पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि पाषाण काल के 2-3 पार्ट है ड्राफ्टिंग कर ली मैंने, और पाषाण काल की 10-20 लोकेशन जितनी भी लोकेशन में फाइंड आउट कर पाऊँ वो मैंने उपेंद्र की बुक से या सर की नोट्स से फाइंड आउट कर लिया और उनको नोट डाउन। इसके बाद पाषाण काल में मुझे पूरा पाषाण काल जाना है तो उसकी बेसिक विशेषताएं क्या है, तो बेसिक विशेषता वो पढ़ो उस किताब को, उस किताब को कॉपी नहीं करना है, उस किताब को पढ़ के उसमें से निकालनी है, क्योंकि नोट्स आप बनाओगे लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टॉपिक को लिखना है। तो आपको ये टॉपिक पता कैसे लगेगा, भाई आपका पूरा पाषाण काल है, पाषाण कालीन आपका टॉपिक है, तो इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, पूरा पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण में क्या संस्कृति थी, क्या कोई स्थल मिला है क्या वहां पर, वो स्थल की लोकेशन क्या है, उस स्थल की विशेषता क्या है, उस पॉइंट आपको बस इसको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए दो रिसोर्सेज आपको यूज करने, तो तब कवर पाओगे। अब आप पढ़ते जा रहे हो हर पेज को ले, फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक उपेंद्र सिंह आपसे कंप्लीट ही नहीं होगी, काफी मेजर बुक है आपने अगर देखा हो तो, ठीक है ना, उपेंद्र सिंह, लेकिन उसको पढ़ के सिर्फ निकालना है, पढ़ो धैर्य से पढ़ो उसमें, और आपको पता होना चाहिए माइंड में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे निकालनी है, उसको हाईलाइट करके फिर उसको निकाल के अपने नोट्स में डालो, ठीक है ना। मतलब पहले फर्स्ट रीडिंग मारो, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाना मेरे भाई, सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाना, मतलब किसी एक को मतलब ज्यादा फॉलो नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सब में से, मतलब टॉपिक पढ़ना है, देख पढ़ना तो उसको पूरी किताब को ही है, लेकिन उसमें याद रहे सब जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कोई किताब पढ़ी, मेरे माइंड में बैठ गया हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, चीज ऐसे हो रही है, अब मुझे इस टॉपिक को पूरा करने के लिए इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन उस किताब के से कुछ पार्टों में उठाऊंगा, कुछ सर के नोट्स में उठाई, ठीक है ना, कुछ मैंने पीवाई के क्वेश्चन को देखा वहां से उठाई, कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें दोनों में ना मिले आपको, आप गूगल से भी सर्च करके उस चीज को देख सकते हो थोड़ा सा, तो ऐसे 2-3 जगह से देखोगे तब जाके आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं देखता हूँ आप ये मत सोचना नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है भाई, लेकिन एक बार नोट्स के लिए आपने टाइम दे दिया और अच्छे से आपके नोट्स बन गए तो आपकी तैयारी अच्छे से, पर आपको बार बार किताब खोलने की इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सर सारे सब्जेक्ट के खुद से ही नोट्स बनाऊं या हेल्प लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपको आपको जैसे मणिकांत सर की क्लास नोट्स मिल गए उनको रखो साथ में, लेकिन बनाओ खुद अपनी लैंग्वेज में, मैं ये कह रहा हूँ आप कॉपी मत किया करो। जैसे आपने अगर कोई लाइन पढ़ी है भाई कि भाई हड़प्पा कालीन संस्कृति एक नगरी सभ्यता थी, अब आपको पता है कि मुझे डेटा चाहिए नगरी सभ्यता का, तो मैंने पढ़ा सब है, मुझे पॉइंट बाय पॉइंट उनकी खबर चाहिए, मुझे वो लिखना है, तो पढ़ना सब है लिखना वही जो आपके लिए जरूरी है, और ये चीज़ें थोड़ा ऐड कर जाना, टाइम लगेगा मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बार टाइम दे दीजिए इसको आपकी तैयारी अच्छे से,
नोट्स बनाते समय आपकी तैयारी का टाइम आपको 8 से 10 घंटे देना ही पड़ता है, वो तो नहीं और कवर सर नहीं होता नहीं। एक और सवाल था कि अभी जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं क्या सर, फ्री किस चीज के लिए? देखो के लिए? मेंस का तो आंसर राइटिंग और चल रहा है। मैं फ्री के लिए, आप कोई वीकेंड पे ले रहा है तो एक टेस्ट देते सकते हो, उससे आपकी हैबिट और कॉन्फिडेंस दोनों बन सकती है, ठीक है ना? क्योंकि तो कोई भी टेस्ट सीरीज देती है कोचिंग, तो पहले वो क्या करती है कि सेक्शनली लेगी, आपका जो जो टॉपिक क्लियर होता जा रहा है आप उसकी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। और वीकेंड वाली करना, मतलब ऐसा नहीं कोई हर 2-3 दिन वाली नहीं, कम से कम 10 दिन की, 5 दिन की, ऐसे अंतराल की हो ना उसी टेस्ट सीरीज को करना। अभी इतना अपने कंसिस्टेंसी, मतलब अभी आपका फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, जैसे जैसे एग्जाम आएगी फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए उनकी, अभी थोड़ा कम होगी धीरे धीरे बढ़ाना। तो अभी 10-15 दिन में लग रहा है तो भी ठीक है, 7 दिन लग रहा है तो भी ठीक है, इससे कम में मत लेना, क्योंकि इतना टाइम अभी नहीं है, अभी आपको और भी चीज़ों पर टाइम देना, ठीक है? और सर एक और सवाल, जैसे करंट अफेयर मैं पढ़ता हूँ तो सर पिछली बार जैसे मैंने कवर किया था सब बहुत हैवी हो गया था, फिर लास्ट में कवर ही नहीं हुआ सर, फिर मैंने छोड़ दिया क्यों पीटीसी हैक्टिक हुआ बताओ, 365। क्यों हैक्टिक हुआ मैं बताऊं? क्योंकि हम उसका रिवीजन तुरंत नहीं किया हुआ, बताओ किया उसका रिवीजन अच्छे से? हैक्टिक कब होता है? जब हम लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तब हैक्टिक होता है। अगर आप उसको 7 साल रिवीजन किए तो आपको हैक्टिक नहीं बनेगा। चाहे मैंने 10 पेज ही करंट अफेयर पढ़े, ठीक है ना? सर नोट्स बनाऊं क्या करंट अफेयर के नोट्स? करंट अफेयर के नोट्स अपने उस शब्दों में बनाने हैं आपको थोड़ा, और मैं बता दूंगा एक बार कैसे सोर्सेज यूज करते हुए बनाने। ऐसा नहीं है उसमें नोट्स में आपने ज्यादा टाइम दे दिया, आपको तरीका बताएंगे ताकि आपका कम समय में नोट्स अच्छे बन जाए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। और नेक्स्ट किसी दोस्त का, ये हाँ कह सर, रहा हम हूँ विवेक बोल अपना रहे हैं। हैंड रेज किया हुआ है। हाँ विवेक पूछिए। हाँ सर हम कर रहे हैं कि आवाज आ रही है सर? आ रही है आपकी आवाज़, आ रही है। कर रहे हैं सर, हम जो है कि सिलेबस जो है प्रीलिम्स मेंस के जो जिस का पूरा पेपर और ऑप्शनल का एक एक शब्द और एक एक लाइन याद कर चुके हैं, मतलब लिख लिख कर, यस और उसके बाद में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों का मिलाकर हमने और अदर जगह से मिला हमने ये तैयार किया, मतलब अगर आप स्क्रीन बड़ा कर दे सकते हैं तो मतलब कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं ओके हाँ वो चीज़ें, और फिर हमने मेंस का जो है हमने एक एक क्वेश्चन को मतलब कैसे मतलब किस चीज को जो है कला से मतलब किस क्वेश्चन को कहाँ से जोड़ा है, समाज से जोड़ा है, जीवन से जोड़ा है, उस सब चीज का एनालिसिस कर चुके हैं। तो ठीक है। अब हम यह पूछना चाहते हैं कि अभी हम जीएस का एक सीसेट और ऑप्शनल करेंट अफेयर चारों लेके चल रहे हैं, तो सही है या क्या है? देखो सीसेट को देखो ध्यान तो हमें रखना है, लेकिन सीसेट पे अभी टाइम ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे, मेरा कहना है कि सीसेट पे अभी टाइम दो आप 1 घंटे तक इसको लिमिट रखना, हाँ, एक ठीक घंटा एक घंटा। है ना? उससे ज़्यादा अभी टाइम देना नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा देना। लेकिन 1 घंटे भी अगर सीसेट पर आज से दोगे तो अगले एग्जाम तक अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे विजन का क्लास ऐसे सर का है मेरे पास, मतलब कि 20 वाला है, तो उनका भी हम कंप्रिहेंशन स्टार्ट किए हैं, तो कंप्रिहेंशन मतलब एक पूरा वीडियो देख लिए हैं, 1 घंटा पर डे देख रहे हैं। देखो वीडियो में ऐसा है कि आप किसी के सीसेट का वीडियो कर रहे हो ना, एक वीडियो देख लो बस, उसके बाद हर कंप्रेशन की वीडियो नहीं देखना है आपको, उसको बस एम्पली आपको अप्लाई करना है। क्योंकि तो पढ़ाई तभी काम में आती है जब आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक वो माइंड में रहेगी। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो देख लिया, उससे समझ लिया कि हाँ ऐसे होता है, अब उसको 2-4 क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखा, तो उससे सर आपका एक ज़्यादा और टाइम कंजप्शन नहीं होगा। विजन का जो मंथली मैगजीन है वो 60-70 पेज में, 160-70 पेज में आता है मतलब नहीं पूरा, नहीं कभी कभी 100 पेज से ऊपर निकलता है। तो 160 पेज हम बात कर हाँ रहे एक सौ हैं। साठ पेज हाँ तो हम जो है पर डे 5 पेज मतलब पढ़ते हैं पर यस डे, हाँ लेकिन अप्रैल से पढ़ रहा है, लेकिन पिछले का छुटा हुआ है, तो 24 के लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कब से कितने मंथ का? नहीं, नॉर्मली मई से पढ़ना ठीक रहता है, नॉर्मली मई से, क्योंकि उससे ज़्यादा भी, अब देखो आपने पिछला वाला पढ़ रखा है उसके नोट्स है तो उसको रिवीजन करने कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना? नहीं पिछली बार नहीं पढ़ा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मई से पढ़ो बस अभी तो। हाँ मई से। सर अभी मई से रखो, मई वाली मैगजीन उठा के पढ़ो। एक और जो आपका आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट हुआ है वो मतलब हम स्टार्टिंग किए हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आप कुछ पढ़ने देखो के उसके बाद? में, इसलिए मैं उसका फेवर थोड़ा इसलिए करूंगा, आप अदरवाइज नहीं है, मेरा फेवर ये है कि हमारा आंसर राइटिंग का उद्देश्य है कि आपकी एक हैबिट डाले। आंसर राइटिंग को हैबिट में लाना बड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। जो टॉपिक आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे, टॉपिक दिया जाएंगे, वो टॉपिक मान लो मैंने आज एक टॉपिक दे दिया आपको कि संविधान का विकास कैसे हुआ, इसको टॉपिक से जीएसटू का क्वेश्चन पिक किया, अब आप संविधान विकास वाले पढ़ लो, जीएसटू के क्वेश्चन लिख दो, उससे आपकी हैबिट में आ जाएगी, फ्रेक्वेंसी बन जाएगी। और फिर जब आपने लिख दिया, हम उसमें कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि देखो ये कमी आपके रह गई, इस तरीके से और पढ़ना चाहिए था, तो आपके माइंड में एक डेवलपमेंट रहेगा कि यार कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो ना तो उसको इस लेवल तक जाना चाहिए,
ना, उसको मान लो आपका चाहे टॉपिक तैयार नहीं है उस समय, है ना, ये नहीं कह रहा उस समय आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में एक थिंकिंग आ जाएगी, इसलिए मुझे इस टॉपिक को उस लेवल तक तैयार करना चाहिए, अर्थात मैं कभी भी कोई टॉपिक पढ़ू तो उसको उस लेवल तक ले जाऊँ, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, किसी भी टॉपिक हो, आपका एक माइंड सेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, वही आपकी डाउट था थिंकिंग में कि वैलिडेशन जरूरी है, तभी हम कर पाएंगे कि हम हिंदी मीडियम में हर चीज, हमारा मतलब हमारा इतना बैकग्राउंड नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ें नॉलेज पहले से रखें, हमारा माइंड सेट कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही रहता है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ें की गई है, प्लीज इसको जरूर ध्यान रखें, ठीक है, थैंक यू सर, ठीक है। यही पूछना किसी था। गौरव सिंह ने क्वेश्चन पूछा, गौरव सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, हेलो यस, जी चलो सर, सभी जुड़े ने एक हुए एक हैं। क्वेश्चन पूछे, सभी को मौका दिया जाएगा, प्लीज, हेलो यस यस यस, पूछिए पूछिए, सर, मैंने पूछा सर, राइटिंग हाँ गौरव सिंह जैसे सर पूछिए, किताब सर तुरंत राइटिंग में से किया सर बात गौरव या आपकी एक थोड़ी दिन आवाज ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा सा आराम, एक बार थोड़ा सा बोलिए दोबारे, जी सर, हम पूछ रहे हैं एक काम करो गौरव, आप ना आप मैसेज कर दीजिए कि आप ही का मैसेज था क्या ये, कि सर मेंस की आंसर राइटिंग कब करें, है ना, और एक दो दिन बाद राइटिंग करें तो टॉपिक का जी प्लीज सर, बताइए, देखो मैं फिर कह रहा हूँ आंसर राइटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग करनी चाहिए, उससे आपकी हैबिट, आपका माइंड सेट, आपकी थिंकिंग, आपका डायमेंशियल, आप बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपको कोई बता रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते समय वो चीज़ें आप अप्लाई कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना, और अप्लाई करना आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमारे 50 क्वेश्चन लिखना जैसे आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आप परफेक्ट तभी होगे जो 50 क्वेश्चनों में आपको जो मार्क गाइडेंस दी गई है उनको अप्लाई करो, अगले 50 क्वेश्चनों में, अगले 100 क्वेश्चनों में अप्लाई करो, अप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग से करोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक आपकी आंसर राइटिंग जरूरी है, आप एक बार मैडम मैडम जो भी है बताऊंगा, आप एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए, हम परफेक्ट हम करवाएंगे, देखो कैसे आप आंसर नहीं राइटिंग नहीं लिखते, कल अगर मेरा एक वीडियो था अगर आपने देखा होगा, क्वेश्चन में लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप थोड़ा सा समझ जाए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद एक बार स्टार्ट करो, जो आपके मन में आए अच्छा बुरा, चाहे उस क्वेश्चन या टॉपिक से मैच करता नहीं करता, एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए, एक बार स्टार्ट तो करो, हमारे मन में कब तक इस डर को रखोगे कि आज करूंगा कल करूंगा, नहीं मेरा तो सिलेबस हो जाएगा तब करूंगा, ये समय ना कभी आता नहीं है, और आता है जब पता नहीं चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए मेंस में कई बार लोग इसलिए पिटते हैं क्योंकि उनको नॉलेज तो बहुत होती है, नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, ऐसा नहीं है, कमी होती है कि उन्होंने उसको प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं सीखा अभी तक, वो केवल याद करते जा रहे थे, रिविजन करते जा रहे थे, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, याद करना रिविजन करना अलग पार्ट है, उसको अपनी कॉपी पे उतार के दूसरे के सामने प्रेजेंट करना एकदम अलग बात, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ एक मिनट पूछ रहा हूँ ब्रजमोहन जी, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आंसर राइटिंग आपको आदत में डाल लो, चाहे एक क्वेश्चन ही लिखो लेकिन उसको आदत बना लो, और पहले दिन में परफेक्ट आंसर की मत सोचो, जो मन में आया लिखो यार एक बार, ठीक है, हाँ आप पूछिए अगला कोई क्वेश्चन प्लीज, हेलो सर जी, नमस्ते। हाँ हाँ प्लीज सर, मैं मेरा ऑप्शनल सर PSIR है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं PSIR में कभी कभी डायग्राम वगैरह ये मतलब इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो डायग्राम हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं होते, ये बात ध्यान रखना, आप एक बार आंसर राइटिंग के समय, आप आंसर राइटिंग में जुड़े हुए हो सर, आप आंसर राइटिंग एक बार स्टार्ट करो, है ना, डायग्राम जहाँ जरूर होता है ना वहीं यूज करना है, ये कोई फंडा नहीं है, कोई कह देता है कि नहीं, हम तो डायग्राम GS में हम फैक्ट बहुत डालते हैं इसलिए डायग्राम चल जाता है, ऑप्शन में हमें बहुत जगह फैक्ट डालने की जरूरत कम पड़ती है कंपेरेटिवली GS, लेकिन ऑप्शन में आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ लिखनी होती है, वो डायग्राम से अगर आप देखा पा रहे हो तो देखो, और डायग्राम का देखो तरीका कहाँ आना है, जैसे आपको मान लें कोई चीज़ के बहुत ही विशेषताएं बतानी है, मतलब 4-5 तरीके होते हैं वो हम आपको बताएंगे, कोई विशेषताएं बतानी है, कोई चीज़ को कंपेयर करना है, तो दो चीज़ों को लेकर के आप डायग्राम कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल दो सर, चीज़ों को लेकर डायग्राम, जहाँ जरूरत सर है एक डायग्राम करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड होती सर है एक क्वेश्चन डायग्राम, और है मेरा है ना, यस सर, मैं ये पूछ रहा था, जो हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊं किसी भी टॉपिक के, तो मैं आंसर फॉर्मेट में बनाऊं या मतलब टॉपिक फॉर्मेट में? टॉपिक फॉर्मेट में क्या क्यों और कैसे, और ये 3 चीजें यूज करते हुए ध्यान रखना है कि UPSC के मेंस का क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है और प्री के क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है, तभी आप क्या क्यों कैसे को अच्छे से समझ पाओगे, आप कोई टॉपिक की कहानी लिख रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि टॉपिक पूछा कैसे जाता है, तो
वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को भी थोड़ा नजर में रखो उस टॉपिक की। जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो एक बार उसे क्वेश्चन को नजर में जरूर पढ़ना, अपने पास जरूर रखना, नजर जरूर बना के रखो उसे। ठीक है सर, थैंक यू। कुछ क्वेश्चनों ने पूछा है लोगों को, मैं क्वेश्चन को जवाब देता हूँ। सर आप किस कोचिंग से पढ़े हो प्लीज बता दी। मैं मेरा कोचिंग से किसी से नहीं रहा मैडम लिंक, बस मैंने कुछ ऑप्शनल की हेल्प सरस्वती आईएएस से ली थी, राजेश मिश्रा सर से पीएसआईआर की, और वो भी मेरी प्री एक बार निकल गई उस समय ली थी मैंने, मतलब उस समय बहुत लास्ट में ले पाया मैं, लेकिन उसकी मैंने ऑप्शनल की। मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शनल की या कोई चीज़ में आपको देख के तो आप हेल्प ले सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही करना है। ठीक है, टेंथ में आपकी परसेंटेज चाहे 10 ही मतलब 33% हो, बस आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपीएससी में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगला है सर हाँ, एक फिलोसफी के ऐसे को लेकर के दिक्कत आती है आप लोगों को। कल हम एक ऐसे राइटिंग की लाइव क्लास लेंगे, है ना, एक ऐसे राइटिंग की लाइव क्लास लेंगे, चाहे तो ऐसे का टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उस पर लिखना, अपना मिला लेना बाद में, एक ऐसे राइटिंग क्लास लेंगे, आपको बताएंगे वो ऐसे कहीं ना कहीं जो ऐसे का टॉपिक दूंगा वो आधा फिलोसफी का जैसा रहेगा और आधा नॉर्मल रहेगा। फिलोसफी के ऐसे को हम कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, फिलोसफी का ऐसे बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, फिलोसफी का कोई भी ऐसे आया उसमें जितने डायमेंशन घुमाओगे हर डायमेंशन पे एक एक एग्जाम दे दोगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू जो बात आपके उस स्टेटमेंट में बोली गई है उसको वेरीफाई करते जाओ, उसको आप पुष्टि करते जाओ, आपका ऐसे जबरदस्त होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो फिलोसफी के ऐसे में आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, केस स्टडीज होने चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें आपको इसमें जरूरत पड़ती है फिलोसफी के उस ऐसे। तो हम बताएंगे कैसे करना है, कल एक ऐसे के है उसके साथ आप जरूर जुड़ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि आपका माइंड सेट डेवलप हो जाए कि ऐसे को किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, अगला किसी ने एक क्वेश्चन और पूछा है, मैं आप सभी को मौका दूंगा, कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा है, पहले उनका जवाब देता हूँ। सर अब सब लोग बोलते हैं कि टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड, देखो टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए, आप कोई टॉपिक पढ़ा उसको एनसीईआरटी की बुक में देख लो कोई क्वेश्चन हो तो, कोई पीवाईक्यू में देख लो कोई क्वेश्चन हो तो उसी को सॉल्व कर लो, बस क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, पीवाईक्यू उठा के लाओ, हर टॉपिक से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछे ही यूपीएससी। ठीक है, अगला प्लीज पूछिए। नहीं 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 मैं किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाता यार, ठीक है, मैं अपना मतलब अपनी मुझे कहाँ टाइम मिलता है, अपनी सर्विस और ये दो चीज़ों के साथ ही मैं जुड़ा रहता हूँ। ठीक है, वो तो आप लोगों के साथ इसमें जुड़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे प्लीज। विवेक आपका क्वेश्चन हो गया, मैं नाम लेके बोलूँ या आप लोग बोल देंगे, प्लीज क्वेश्चन पूछो। हेलो, हाँ हाँ पूछिए सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूँ। yes. सर मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, शायद ये भी असफल हो जाए। नहीं यूपीएससी में स्टेट पीछे है, यूपीएससी में सर। इस बार ज़्यादा मतलब ऐसे मत देना, इस बार मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ रिजल्ट को लेकर किसी को कोई विश्वास नहीं है ना, तो इस बार के रिजल्ट को अगर किसी का हो ना हो, प्री के रिजल्ट को ज़्यादा अपने उस पर ना लें, क्योंकि इस बार बहुत सारे फैक्टर काम किए थे। ठीक है, हाँ सर बहुत सहज हूँ, क्योंकि यूपीएससी का नेचर ही ऐसा होता है, कभी मध्यम कभी कठिन। नहीं अपना इससे मतलब हताश होने के उस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना है, मेरा मतलब है डिस्करेज नहीं होना है। ठीक है सर, मेरी समस्या रही है कि मैंने अब तक अपने आप को जरा भी सोच के समझ के ये पाया है कि मेरे अंदर सबसे बड़ी समस्या सर ये रही है कि मैं जब करेंट अफेयर पढ़ता हूँ तो हमेशा क्या होता है कि सोर्सेस बदलता रहता हूँ, क्या होता है कि एक महीना दूसरे सोर्स को पढ़ा, फिर दूसरे महीना, सबसे पहले सर दिक्कत ये आती है ना कि टेलीग्राम चैनल हुए, यूट्यूब चैनल हुए, आज के डेट में सर इतने ज्यादा फैक्ट्स की बमबारी हो जा रही है, इतने ज्यादा फैक्ट्स आ जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चैनल को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं यूपीएससी होने से रुक जाए अगर ये चैनल को फॉलो नहीं किया, शायद ऐसा दर्शाया भी जाता है सर कि मैंने आपका चैनल को फॉलो नहीं किया तो शायद लग रहा है कि अभी ये रुक जाएगा इलेक्शन, सर ये समस्याएं बनी रहती है। हाँ मैं बताऊँ आपको, मैं हाँ पूछिए क्वेश्चन पूछिए जब मैं आपको जवाब देता हूँ, बोलिए। तो सर समस्या ये रही ना कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर एक किसी साइट को फॉलो करता हूँ कि इसको आगे लेके चलूँ, तो फिर आने वाले जैसे कि अब 4 साल हो गया सर तैयारी करते हुए, तो पता चलता है कि इस कोचिंग के करेंट अफेयर से ये नहीं आया, तो ये वाला कोचिंग इस बार अच्छा कर गया, विजन वाला 365 अच्छा कर गया, ओनली आईएएस इस बार अच्छा कर गया। एक्चुअली मैं आपकी बताता हूँ आपको बात, आपका माइंड क्या होता है 100% तैयारी करनी है। ठीक है ना,
ये माइंडसेट छोड़ो यूपीएससी, 100% तैयारी आज तक कोई करके नहीं आया यूपीएससी, और ना किसी से हुई आज तक। हम क्या है कि हमें डर रहता है कि नहीं इसमें भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, क्योंकि आपका माइंड अभी 100% प्रिपरेशन पर डिपेंड है। अरे यूपीएससी में कहाँ 100% करनी हमें तैयारी। अरे मान लो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप किसी भी कोचिंग के मतलब नोट्स या कुछ कुछ भी फॉलो करो, सिर्फ एक फॉलो करो। अगर आप मैगजीन एक पढ़ रहे हो ना, चाहे दुनिया बदल जाए आपको वही मैगजीन फॉलो कर, चाहे आप दृष्टि, विजन, शंकर आईएएस, मतलब जो भी। और हर कोचिंग ना बेस्ट देती है। देखो इसने अगर 50 टॉपिक कवर किए तो उसने भी 50 टॉपिक कवर किए, हो सकता है इन दोनों में 10-5 टॉपिक नहीं मिलते हो आपस में, लेकिन 80 से 85 टॉपिक सब में कॉमन मिलेंगे उस करंट ईयर। हमारा माइंडसेट 15% टॉपिक पे चला जाता है कि नहीं यार ये तो उस विजन की मिल गया, दृष्टि में नहीं मिला, या कोई चैनल पे मिल गया मुझे नहीं मिला। आपको चाहे कोई भी चैनल फॉलो करो, अगर हमारा कर रहे हो या मतलब हमारा नहीं किसी का भी कर रहे हो, एक या दो चैनल फॉलो करो, नहीं ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अपना एक माइंड सेट रखना है, मुझे चार रिसोर्सेज फॉलो करने, अगर कोई वैल्यू एडिशन की थोड़ी हेल्प मिलती है तो मैं ले सकता हूँ दूसरे से, लेकिन मुझे चारों पे तो टिका ही रहना है, ये चारों पे तो टिका ही रहना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, इन चारों पे टिका रहना आपको पक्का ध्यान है ना सर। लेकिन ये होता है ना कि अगर वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं तो फिर वो डायमेंशंस बढ़ते चले जाते हैं और जो कंफ्यूजन आगे चल के क्रिएट कर देते हैं सर। नहीं, वैल्यू एडिशन में, वैल्यू एडिशन का मतलब आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करना उसका। वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं कहीं कहता कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करो, है ना। वैल्यू एडिशन ये कह रहा है कि जैसे आप पढ़ने बैठे हो कोई चीज को और आप एक टॉपिक आप उसको पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ करंट अफेयर में एक मैगजीन और ये योजना कुरुक्षेत्र ये चीज, और अगर आपको कोई न्यूज पेपर की आदत तो न्यूज पेपर, चार चीजें आपको याद रखो, बस इन्हीं पे टेके रहो। अब इसमें चाहे आपकी करंट की 80% तैयारी हो जाए वो ठीक है, 100% पे आप मत टेकना। रही बात वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं कि हम कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करके, वैल्यू एडिशन थिंकिंग है, आप सोच सकते हो कि एक नजरिया ये भी डेवलप हो सकता है। अब जब आप उस चीज को सोचोगे उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है उसको जोड़ दो, लेकिन उसमें डिपेंड मत होना कि नहीं मैं ये भी पढ़ू अपने और वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मैं तो ये भी पढ़ू। आप लिमिटेड रखो, जितनी ज्यादा उसको रिवाइज करोगे आपका वैल्यू एडिशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब आपको पता लग गया कि नहीं मुझे यहाँ एक एग्जाम्पल चाहिए तो उसको सर्च कर लो, उसमें कोई पूरी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोगों को एक आंसर चेक करके दिया, मुझे पता था कि इस जगह मुझे एक आंसर, एक एग्जाम्पल चाहिए, जैसे गरीबी को कम करने वाला कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल चाहिए। मैंने गूगल पर सर्च किया, उसने तुरंत मुझे बता दिया, मैंने ऐड कर दिया, बस खत्म। उसी से मुझे जरूरत नहीं उस साइट पर क्या ओपन हो रहा है, कुछ भी ओपन हो, बस आपको पहले पता होना चाहिए मुझे जरूरत क्या है, तभी उस चीज़ का ज़्यादा यूज कर पाओगे। और इसलिए मैं जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करो, उसकी थिंकिंग करो, आपके मन में पता लग जाएगा नहीं मुझे एक एग्जांपल, एक फैक्ट और चाहिए था जो यहाँ नहीं है, उसको तुरंत सर्च करो। अगर उसको आप किसी भी चीज़ को रेगुलर फॉलो नहीं करते उसमें से सर्च कर लो, चलो आज इस चैनल पर देख लेते हैं कहीं कहीं मिल जाएगा, तो उसको वहाँ से निकाल के रख दो, तो डाइवर्ट नहीं होना है, बस जो चीज़ जरूरत है उस पर फोकस रखें। सर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि अगर मान लेते हैं जैसे सर वर्तमान में मैं करंट अफेयर के लिए वर्ल्ड आईएएस चैनल जो है सर उनके द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं प्रीलिम्स बूस्टर हुआ और द हिंदू डिस्कशन हुआ डेली बेसिस पे, देख लो एक बार कहां कहां से चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। हाँ ये तो है, और एक चीज ये है कि जैसे मैं क्या कहती हूँ विजन के आते हैं लगभग 160 पेज आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने एक काम किया है कि इंडेक्स वाला जो 6-7 पेज रहते हैं उसको जो प्रिंट आउट करा उसके पीछे एक पेज ऐड कर दिया है, हाँ A4 साइज का, तो जो जो मतलब मुझे लगता है कि PY की उसी प्रीलिम्स से या मेन से क्वेश्चन आए हैं तो उसको उसको मतलब लिख के छोटा छोटा फॉर्म में डब्बे में yes. कि मतलब प्रीलिम्स में ये है तो एक सेलेक्टिव हो जाएगा और रिवीजन करने में वो बढ़िया किया है उसको बस इंप्लीमेंट करो। हाँ तो सर यही पूछना था, और एक चीज और पूछना था कि जैसे पूछिए बट और भी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है सर जवाब देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और लोग बोल रहे होंगे सर एक ही पे फोकस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं पूछ लूंगा। यूपीपीसीएस मेंस 2023 की तैयारी कर रहा हूँ सर, तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सर क्या यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी डाले जाएंगे? हाँ हम कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक जरूर डालेंगे इसमें ताकि यूपीपीसीएस वालों की हेल्प हो जाए, वो स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए डालेंगे 10 क्वेश्चन मतलब जिसमें रेंज रखेंगे कुछ क्वेश्चनों की, और स्पेशली जिनका संबंध मतलब जीएस के कॉमन पार्ट हो जाए वो तो ठीक है, यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चनों का पार्ट हुए, जोग्राफी कुछ पार्ट हुए, उनमें कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा लास्ट में रखेंगे, ठीक
और जैसे सर ऐसे में भी जो टॉपिक आते हैं वो ज्यादा कॉन्क्रीट रहते हैं, बजाय कि जैसे यूपीएससी में फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के रहते हैं, तो क्या मतलब उस कॉन्क्रीट टाइप का भी ध्यान रखना, आप ऐसे चाहे यूपीएससी के लिख लिए कॉन्क्रीट बात, बिल्कुल बात करी पॉइंट है। हमारा टारगेट इसमें ये रहेगा एनएसओ के थ्रू आपका किस तरीके से ऐसे राइटिंग का माइंड सेट डेवलप किया जाए, है ना, कि ऐसे राइटिंग ऐसे आपके सामने फ्रेम की जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपके सामने यूपीएससी का टॉपिक है किसका, बस आपको एक फ्रेमिंग आनी चाहिए कैसे फ्लो, कैसे चीजें कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे एग्जाम्पल ऐड करेंगे इसमें, आपको क्या क्या नजरिया होना चाहिए ऐसे मतलब ऐसे को लिखते समय, जो आपको एग्जाम में कोई भी टॉपिक आया तो आपको वहाँ काम कर जाए। जी सर, ओके सर। और सर जैसे एक क्वेश्चन और था सर, जैसे मैंने 2023 का 2022 का यूपीएससी का दिया था, तो उसमें मेरा जीएस हो गया था, सीसेट रुक गया था, इस बार भी मैंने यूपीएससी का दिया था, तो इसमें 110 लगभग जा रहे हैं जीएस के, लेकिन फिर से सीसेट में मतलब कम नंबर आ रहे हैं, तो सर उसके लिए क्या किया जाए सीसेट के लिए, क्योंकि सीसेट को लेकर मतलब काफी परेशान हूँ सर। नहीं अभी जो सीसेट को लेकर, अभी तो आप 2023 के एग्जाम की तरह मेंस की तैयारी, ठीक है ना, यस सर, यूपीएस निकल रहा है, सीसेट का बताएंगे अभी, उसमें ज्यादा फोकस मत करो, जो हो गया जो तो हो गया, अभी तो थोड़ा सा आपको मैं ये नहीं कहूंगा आप अभी से करो, क्योंकि आपको अभी यूपीपीसीएस मेंस में फोकस करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ लोगों ने सर पता नहीं लगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चले गए काफी देर से, मेरे क्वेश्चन रह गए थे, प्लीज मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो मुसीर अली जी ने पूछा था सर मेरा एपीओ का इंटरव्यू है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता था तो भूल जाता हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन लिख सकता हूँ, लिखना बोलना बहुत दोनों अलग अलग चीज होती है, जिसको भी अगर इशू आप में से भी है, किसी को जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी छूए, प्लीज आप थोड़ा सा जो भी चीज है उसको शीशे के सामने, मिरर के सामने, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी उसको बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका ये डर हट जाए। आप पूछिए नेक्स्ट। हेलो हेलो सर। हाँ सर, मैं संध्या मतलब यूपी से बोल रही हूँ सर। yes, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम अपनी निगेटिविटी को कैसे कंट्रोल करें। एक्चुअली मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा भी जीएस फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है एंड मतलब हो रहा है, 110 क्वेश्चन मेरा भी मतलब 110 मार्क्स बन रहा है, एंड सीसेट में सर किसी कोचिंग से मेरा 68 मार्क्स बन रहा है, किसी से 69, और सर एक फिजिक्स वाला यूपीएससी वाला करके कोचिंग है उसकी आंसर की से मेरा 63 मार्क्स ही रह जा रहा है, तो देयर आर सो मेनी वेरिएशन सर। मैंने खुद ने भी अभी तक आंसर की नहीं मिलाई किसी कोचिंग से। ओके सर, है ना, एक्चुअली मैं अभी इस बार ऐसा पेपर आया है किसी कोचिंग को खुद पे विश्वास नहीं है, आप चाहे तो किसी भी कोचिंग के मार्क्स उठा के देख लीजिए आंसर की, आप बस 10-5 मिनट और 10-5 दिन और वेट कीजिए, लेकिन आपका जीएस में अच्छे नंबर है। सीसेट का देखो मामला आपका, सीसेट में खुद कह रहा हूँ मेरा मैथ बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ मैं मैथ में, कि मैथ में मुझे डर नहीं लगा, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ सीसेट कहीं ना कहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी गलती थी नहीं उसमें, सीसेट का उन्होंने बना ही ऐसे दिया कि आप क्या कर पाओगे, ठीक है ना, तो उसको लेके घबराइए मत कि अब तो जो हो गया उसको छोड़िए, अब तो रिजल्ट 10-5 दिन में आ जाएगा, आंसर की मिलाने में वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, दिमाग खराब होता है, ठीक है, तो उसी की वजह से नेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है। ये चीज मैंने पर्सनली फील करके देखी है, मुझे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, 2019 का मैंने पहली बार एग्जाम दिया था और मैं एसएससी वाला स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा क्या है कि हाँ मैथ के 30 क्वेश्चन किए पक्के सही है, ठीक है, तो मैं मैथ के 31 क्वेश्चन करके आ गया, सीसेट में ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, 31 करके आ गया, घर आया 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, अब आपके बचे 29 क्वेश्चन, अब आपका डर यह है कि एक गया आप बाहर, इसको मिलाने के लिए उस समय यूपीएससी रिजल्ट निकाल दी 40 से 45 दिन में, आप तो चलो 20 दिन निकाल दिए, मैं 40 से 45 दिन में कम से कम 40 बार मिला चुका हूँ लोगों के आंसर, डेली रहता था, किसी दिन सोते टाइम याद आता अरे यार सी सेट फैलना होगा, जीएस में आप पहले से सीट में थे, तो मेरा सबसे बड़ी बात आपसे ये है कि इस तरह की चीजों को मत मिलाओ, मैंने खुद झेल के देखा है, आप कुछ आपका माइंड खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब हो गया, मैंने आंसर मेरा तो ये था, मेरा तो ये मानना है कि आप मिलाओ ही मत, अब जो होगा वो तो आ ही जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मिलाने से अगर बॉर्डर पर रह गए तो वैसे ही टाइम खराब है, हो सकता है आप रिजल्ट आते निकल जाए लेकिन ये टाइम तो खराब हो जाएगा आपका, तो इस नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर नहीं, अब आपको काम करना है, मुझे तो मेंस पढ़ना ही है, देखो इस बार हो गया तो ठीक है, 10-15 दिन लगे, नहीं तो मुझे तो देना ही है एग्जाम, है ना, मेरा तो कमिटमेंट है ये, अब इतनी तैयारी मेरी अच्छी है, इस बार हो सकता है कुछ चीजें ऊंच नीच हो जाए, तो लेके नहीं बैठना है आपको, कंटिन्यू अपनी तैयारी पे लगना है, सारी नेगेटिविटी साइड में रखो, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है वो आपसे अलावा किसी और को पता नहीं है, किसी को नहीं पता, बाहर आके लोग ज्ञान दे देते हैं कि नहीं पेपर बड़ा इजी था, पेपर में ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये अलग पार्ट है एग्जाम हॉल का पार्ट, क्योंकि मैं भी उसी पार्ट का आपके साथ था, मतलब ऊपर से पंखे की हवा नहीं आ रही, सी सेट जीएस ने पहले झटका मार दिया, ऊपर से आपका सी सेट है उसमें ऐसा झटका मारा कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, तो उस दौरान आपका दिमाग इतना एक्टिव नहीं हो पाता, किसी का नहीं हो पाता, उस परिस्थिति में अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके आ रहे हो तो इसको मतलब
मतलब एक बहुत अलग टाइप का माइंडसेट होता है, और लोग बाहर आकर के अलग माइंडसेट बनाते हैं, तो उस चीज को बिल्कुल दिमाग मत लीजिए। जो आपके साथ हुआ है सभी के साथ वही हुआ है, ज्यादातर लोगों के साथ भी हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस बार यूपीएससी मेंस में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होगा। अगर किसी में किसी की किस्मत जाग गई और मेंस में पहुंच गया और उसकी थोड़ी बहुत तैयारी ठीक है, तो आर पार निकल जाएगा, क्योंकि इस बार 50% से 60% स्टूडेंट ऐसे पहुंचेंगे जिनकी मेंस तैयार है नहीं है, ठीक है। तो आप मेंस में लग जाइए, अगर मौका मिला तो धमाल मचा देना एक बार, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, बस एक दिन सोचिए कि देखो मुझे फेल हो पास हो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब तो मेरा है कि मुझे मेंस की तैयारी अच्छे से कर। सर यही मैंने भी डिसाइड किया, लेकिन नेगेटिविटी पढ़ते टाइम नेगेटिविटी जब बढ़ेगी आप 50 बार मिलाओगे मैडम, तो 50 बार आज आपने यूपीएससी किसी एक्स कोचिंग से मिलाया है, कल आप 22 से मिलाने बैठी 58 आ जाएंगे, परसों किसी जेड से मिलाई 75 पहुंच जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। सर जीएस में भी वेरिएशन आ रहा है कई कोचिंग, जीएस में आप जीएस में क्या है कि जीएस में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन जीएस में आप बहुत ज्यादा जीएस में बहुत ऊपर हो गए हैं, तो वहाँ अब जैसे आपके एसी में 90 हो जाए उसके बाद कोई कोचिंग कुछ भी बोलती रहे, लेकिन जब आप बोर्डर पे हो तो मत मिलाओ। ओके हेलो सर। हाँ हाँ मैं वेशपाल जी। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, 10th में मेरा ग्रेड लग गया था संस्कृत में सर, उसमें बिल्कुल नंबर नहीं है, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप पास तो हो ना उसमें? जी सर पास तो हूँ, मैं सर इस समय ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराओ मत, यूपीएससी 10th की मार्कशीट से कोई लेन देन देखती है, उसका एक 10th की मार्कशीट तो आपकी डेट देखेगी बस, है ना, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ सब ठीक है, बाकी पास हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परसेंटेज का रोल नहीं होता वहाँ, ठीक है। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन इंटरव्यू हो जाता है बोल देना ऐसी परिस्थिति थी बस, इसमें जवाब दे देना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता उससे मत घबराइए, ठीक है। वो मैरिट होल्डर यूपीएससी में देखते नहीं है, ये ध्यान रखना, यूपीएससी का एकदम पैटर्न एकदम अलग होता है, तो अब आप क्या करोगे वो इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ अतुल जी पूछिए आप। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, पूछिए। हेलो सर। यस मैडम। सर वो ये पूछ रहे थे कि इतने दिनों बाद प्रीलिम्स के झटके से अब बाहर निकल पाए, मतलब 2-3 दिन हुए। अच्छी बात है मैडम, सभी को निकलना तो था ही बाहर, अब उसमें रह के क्या फायदा। सर अभी तो घर ही, मतलब हमने किसी से मैच ही नहीं किया है, क्योंकि मैच करेंगे तो पूरा ही गिर पड़ेगी। नहीं मत कर, तो अभी सर मैच नहीं किया है इसीलिए सर, मतलब हम सोचे कि डायरेक्ट अब उसी से देखेंगे, क्योंकि उन लोगों का अलग ही सिस्टम रहता है, अगर लिस्ट तो सर उन्हीं का वाला देखेंगे बस है। प्री में लिस्ट में नाम आ गया हो गया, नहीं हुआ तो फिर तैयारी करना है, तो मिलाने में कोई ज्यादा फायदा है नहीं है, ज्यादा दिन यूपीएससी रिजल्ट में देता भी नहीं है, है ना, तो मिलाने का कोई फायदा हो नहीं पा रहा, और इस बार मिलाने से करीब कोचिंग पे विश्वास नहीं है। सर कितनी देर तक निकलेगा है अराउंड? 15 मेरी 20 से पहले ही आ जाना चाहिए। सर ये बोल रहे थे कि सर हम ये सोच रहे थे कि जब तक रिजल्ट नहीं निकल रहा उसके पहले तक ऑप्शनल कंप्लीट किए ले रहे हैं, और आप जो डेली दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनको एज जीएस दो दो क्वेश्चन करते रहे और ऑप्शनल तब तक फिनिश कर दें, तो सर ये ठीक रहेगा, और आप जो ऐसे कर लेंगे तो उतना लेते रहे, रिजल्ट नहीं आएगा ना तब तक दिमाग ऐसे उलझा रहेगा, तभी आप करो। सर अभी इतना मन भी नहीं लग रहा पढ़ाई में, मतलब बैठते उठते उठते बैठते उठते बैठते, मतलब एक कंटिन्यूटी आ ही नहीं पाती। नहीं तो अगर मान लो प्री पास भी हो गया इस बार तो क्या कर पाओगे मेंस में, ठीक है ना, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब बहुत हो गया, पैसे भी 7-8 दिन निकल गए, है ना, 10 दिन निकल गए, अब उस चीज से बाहर निकलो और अब तैयारी में लग जाओ, ठीक है। नहीं सर निकल तो आए हैं, लेकिन अब सर सोच रहे हैं कि हम मतलब जो इकोनॉमी था तो उसके कुछ हम लोग लास्ट टाइम सर प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स सर, तो सर सोच रहे थे उसके जैसे इंट्रो टाइप जो मिल रहे हैं तो उनको एक एक जगह निकाल के रख लेते हैं सर, और सर जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उनका कुछ स्पेसिफिक ले लेते हैं, और इधर ऑप्शनल कर लेते हैं, आपके तो जीएस सारे ले रहे हैं जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। अभी तक इतना कर लो अभी तक, लेकिन बैठो मैं मेरा करने में, ठीक है जी सर। कई कॉपी देखी थी, अच्छा लिखा कई लोगों ने, थोड़ी कॉपी का मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके से थोड़ा सा करने की कोशिश की, ठीक है ना। हाँ अतुल जी पूछिए। जी सर मैंने लिखी थी आंसर। यस मैम। हेलो सर। यस सर, एक करंट अफेयर्स के लिए जो यूट्यूबर रहते हैं द हिंदू के, द इंडियन एक्सप्रेस के, मतलब एक्सप्लेनेशन सीरीज वो देखना पड़ता है क्या? देखो यार देखना कोई मैंने, ठीक है ना,
मैं आपको चीज बताता हूँ, कोई चीज पढ़ देखना, ऐसा यूपीएससी कोई फंडा नहीं बनाया कि मैंने करी। एक्चुअली मैं आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ, आप मान लो कोई अखबार पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ते समय कोई एडिटोरियल आपकी समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे डालो भाई इस एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन चाहिए, बस उसको देख लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसी के पीछे बैठ गए आपका मैसेज। एक तो आपको कोई ना कोई मैंथ मैगजीन फॉलो करनी है, जैसे आपको एक विश्वास हो कि मैं डेली करंट कोई चीज पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना। एक चीज वो ध्यान रखना, और दो तीन मैंने बताता हूँ इनको जरूर ध्यान रखना, ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में रहेंगे, जैसे आपके कुरुक्षेत्र हुई या आपकी योजना, है ना। उसके अलावा अगर डेली न्यूज पेपर पढ़ पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई कहीं से डेली करंट अफेयर कुछ क्लिप मिल गए तो उनको पढ़ लो बस। यूट्यूब पे वीडियो देखना, अगर आपको कुछ टॉपिक क्लियर नहीं होते तब देखो उसको, इसीलिए सर, है ना। ऐसे अच्छा है, कई जगह लोग पीडीएफ देते हैं, तो पीडीएफ को देख के कुछ अगर कोई चीज डिक्लेयर मतलब आपको थोड़ा दिक्कत आती है तो उसको करते हैं, ठीक है ना। लेकिन रेगुलर देख पाना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत हो जाता है, नहीं हो पाता सर, ठीक है ना। तो इतना टेंशन मत कीजिए, आप इतना कीजिए बस मैगजीन में थोड़ा विश्वास रख के, और डेली थोड़ा सा कुछ ना कुछ करंट की चीज़ें अखबार भी पढ़ लीजिए, तो उससे आपका हो जाएगा कवर। अब 100% तो कवर किसी चीज़ से नहीं होता, ठीक है। ओके सर, मैगजीन कौन सी पढ़े सर? एक मैगजीन कोई सी पढ़ सकते हो आप, विजन की पढ़ सकते हो, दृष्टि पढ़ सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। अनअकैडमी की है सर? हाँ, क्या अनअकैडमी की? अगर अनअकैडमी की मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन अगर वो कंटेंट सारे प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप देख सकते हो, दोनों कंपेयर करके एक बार काम कर लो, उस पर स्टडी कर लो। मृणाल सर के है सर, वो निकालते हो तो आपको समझ में आ रही, तो आप देखते हो समझ में आनी चाहिए, समझ में नहीं आ रही हो तो बेकार में मत पढ़ना। ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है ना। मैं विजन की भी ठीक है, दृष्टि की भी ठीक है, एक फॉलो करो लेकिन एक को अच्छे से करो। ओके सर, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल। हाँ मैडम, एक मिनट मैडम, किसी और क्वेश्चन आप पूछ देता हूँ, फिर आपका जवाब दूंगा। किसी और क्वेश्चन है? पीयूष श्रीवास्तव जी, है ना। मैडम आपका है सर, एक मैडम है अपने साथ, जो भी है क्वेश्चन प्लीज पूछिए एक बार, मैडम आपका पूछूंगा मैं। सर मैं पूछूं? आप कोई नहीं पूछा था, आप पूछिए। हेलो, हाँ एक मिनट मैडम प्लीज, मैडम आपका जरूर जवाब दूंगा, आपका जवाब दिए बिना इसको हम बंद नहीं करेंगे, गारंटी है, ठीक है। आप पूछिए पीयूष। सर मेरा ईपीएफओ का एग्जाम लगा है 2 जुलाई को, और सर मैंने आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर लिया है, मैं जॉब में भी हूँ, सर्विस में हूँ। नहीं, आप जब क्वेश्चन लिख पाओ तो लिख दो, ठीक है ना, जब आपको टाइम मिले आप लिख दो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर, वही रिवाइज करने में, क्योंकि ऑफिस का टाइम 9:30 से 6 का है। ऐसे करो, तब तक थोड़ा आपको जो जो टॉपिक आप लिख पाओ वो लिख दो एक बार, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, आपको ऐसा नहीं, जब तक आप 50 क्वेश्चन पूरे नहीं करोगे हम आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दे बीच में, ठीक है जी। जी ठीक है, तो ज्वाइन तो मैंने सर कर लिया है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, ये है कि जॉब करते हुए मैनेज नहीं, अभी आप ये कर लो, जब भी टाइम मिले आपको, जैसे संडे के दिन मिला तो लिख सकते हो एक क्वेश्चन, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन आपका सिक्वेंसिंग बहुत अच्छी, ऐसा नहीं कि आपके डे 3 का उठा लिया, डे 4 का उठा दिया, डे 1 का लिख लो, ताकि अगली बार हमें याद रहेगा आप डे 2 का लिखोगे जो भी है, ठीक है। और ऐसे के बारे में सर, ऐसे अच्छा, कल ऐसे को हम करवाएंगे, लोगों को 3 दिन का 4 दिन का समय दे दिया, आज से अभी तक किसी ने नहीं लिखा, लेकिन डोंट वरी, आप ऐसे का जो टॉपिक दिए जाएंगे ना, तो ऐसे में हमारा ये रहेगा कोई आपको 4 दिन में एक टॉपिक दे दिया, जब तक आप ईपीओ हो तब तक हो सकता है एक दो ऐसे आपसे निकल जाए, 2-3 ऐसे, तो उनको आप पीछे भी लिख के भेज सकते हो जी सर, ठीक है। और सर ईपीओ थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे कि कहाँ से थोड़ा सा लिया जाए। अभी तक आपने जो पढ़ा है ना, पहली बात तो उसका रिवीजन अच्छे से करो, आप समय ज्यादा है नहीं कि आप अलग अलग चीजें देखो, ठीक है ना जी। और दूसरा कुछ लेबर कानून जरूर पढ़ लेना, इसलिए वो बहुत आते हैं लेबर लॉज। लेकिन सर जो प्रीवियस का जो पेपर है उसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, लेकिन 2-4 क्वेश्चन तो आप करेंगे, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, है ना। एक यार, एक मैं नाम भूल गया, एक चैनल था उसका, मतलब वो ईपीएफ सिलेक्टेड लड़का था, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें उसका चैनल में वो काफ़ी अच्छी चीज़ें कंटेंट डालता है, उसको हेल्प ले सकते हो थोड़ा सा। तो शायद हमने एक दो बार चैनल भी शेयर किया था हमारे टेलीग्राम पे, अगर देखा हो तो, वो ईपीएफ में काफ़ी जिंदल करके, हाँ अनुज जिंदल करके क्या है, हाँ शायद मेरे नाम से ध्यान निकल गया, लेकिन वो काफ़ी एक चैनल का किसी का देख सकते हो, ईपीएफ होगा उसी को फॉलो कर लो, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं किसी एक का, ठीक है जी। थैंक यू सर जी। ओके नेक्स्ट, किसी क्वेश्चन मैडम, अब आप पूछिए।
हेलो। हेलो सर। यस मैम। सर अभी तक प्रीलिम्स चल रहा था जैसे, तो एक तरीके से प्रॉपर शेड्यूल था किस तरीके से क्या करना है, लेकिन अब जैसे मेंस का पढ़ने जा रहे हैं तो प्रॉपर उस तरीके का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है ना, उस तरीके की मतलब कंटिन्यूटी उस तरीके की आ पा रही है जो उस तरीके मतलब प्रीलिम्स के एक नाइट पहले तक 11 बजे 12 बजे तक ये लग रहा था कि नहीं मतलब आएगी कितना पढ़ने आएगी, देखो इतना अभी पढ़ ब्रेक डाउन लग गया आपका तो, 1 वीक का, आएगी। बस आप अपनी हैबिट में लाओ उसको, थोड़ा सा आप बढ़ाओ कि शुरू एक दिन आपका 6 घंटे का शेड्यूल बना लो, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ाओ उसको धीरे धीरे। आप पहले दिन ही 12 घंटे का शेड्यूल मत बनाओ, पहले दिन नहीं आई क्योंकि एक झटका लगने के बाद इतना आसानी से नहीं है कि आदमी दोबारा किया फंसे। और फिर हमारा एक माइंड सेट होता है सभी के साथ होता है, वो आपके साथ नहीं। जैसे हमारे एक खत्म होती है ना एग्जाम, तो हमें ऐसा लगता है सब कुछ हो गया हमारा, ठीक है ना। तो वो जैसा माउंड सेट होता है उसको दोबारा उस जगह लाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, वो सभी के साथ होता है मैडम, ऐसा टेंशन मत लीजिए, कोई आपके लिए स्पेशली हो रहा है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। बस अब थोड़ा सा समय आ गया कि उसको सेटअप में लाया जाए, ठीक है। सर शेड्यूल किस टाइप से कैसे किया जाए टेस्ट मतलब शेड्यूल इन द थोड़ा सेंस सा? कि भाई मैं मुझे 6 घंटे, मैं आज 7 घंटे 8 घंटे पढ़ता हूँ, मुझे क्या क्या टॉपिक पहले पढ़ा दे। ऑप्शनल को 2-3 घंटे देखना है, ये ऑप्शन भी एक चीज़ें देखनी है, मुझे जीएस में कोई आंसर राइटिंग करनी है, हाँ आधी के 45 मिनट इसके लिए चाहिए, वो एक थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे ये काम करने हैं आज के, है ना। अपना एक टारगेट होना चाहिए, भाई मुझे इतना काम करना है आज का, और थोड़ा प्रैक्टिकल टारगेट, आइडियल टारगेट मत बनाना। सर आपने जो ऐसे दिया है वो ऐसे मुझे करना था लेकिन हाथ उठ नहीं रहे करने के लिए। नहीं करो उसको, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम बता दीजिए पहले ऑलरेडी थोड़ा सा, और कल सर उसको हम आप कर थोड़ा देंगे। उसको थोड़ा सर आप अच्छे से बता दीजिएगा तो हाँ वो मैं कोशिश और थोड़ा सा उसको करेंगे आप। एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत तो आपको समझा चुका हूँ जो भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन मैं उसको करूँगा क्योंकि उसको हम सभी के लिए ओपन करेंगे कल एक ऐसे को, तो देखते हैं कौन किस तरीके से लिखता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बताया जाएगा कल, हम ऐसे की क्लास लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यस सालोनी मैडम पूछिए। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैडम। सर हमको ये समझ में, सर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा माइंडसेट नहीं सही नहीं रहता सर, मन सॉरी मैम करता है दोबारा बोलो, फिर। माइंडसेट। यस सर, विजन से तो पढ़ रही हूँ यस सर, मन करता है PW ज्वाइन कर लें सर, अभी स्टार्टिंग है। मैम थोड़ी थोड़ी आवाज नहीं आ पाई थोड़ी, प्लीज प्लीज सॉरी, दोबारा एक बार कीजिए। सर मैं बोल रही थी कि सर मेरा विजन से कंप्लीट हुआ है सारा सिलेबस, तो यस सर अभी मतलब मैं सोचती हूँ कि PW से ज्वाइन कर लूँ क्योंकि उसका जो रिव्यू आ रहा है सर अच्छा आ रहा है, डेली नहीं मैडम, आप एक चीज ध्यान वो रखना, सर है ना, अगर आप एक कोचिंग कंप्लीट कर लिया ना एक कोचिंग से, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर, अभी ज्योग्राफी हिस्ट्री और ये पॉलिटी यही 3 कंप्लीट हुआ है। अच्छा अब आप कोई और कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो? नहीं सर मतलब करंट को लिंक करके नहीं पढ़ पाते हैं सर। करंट को लेकर घबराइए मत, आपको करंट को लेकर के मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ, करंट को लेकर के मतलब अपनी कमजोरी मत बनाओ, करंट आपकी बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, है ना। करंट में ध्यान रखना, मैंने आपसे देखो विश्वास रखो थोड़ा रिसोर्सेज पे, कभी मत सोचना कि यार इस बार से 10 क्वेश्चन आ गए, पिछली बार से 15 आए थे, तो ऊपर नीचे चीजें होती रहती है। करंट में तो 3-4 सोर्स हमने आपको बताए थे उस क्लास में, बताए थे अभी बता रहा हूँ मैं, उन्हीं पर थोड़ा विश्वास बना के रखना, और थोड़ा बहुत कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इधर उधर से आपके पास आई जाती है वो, बस उतना। अब आप करंट के अलग से लेकर के टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी मैडम आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मैगजीन को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, योजनाओं कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं मैगजीन पढ़ रही थी लेकिन आपने ही बोला था अभी 10 दिन पहले सर कि पहले GS कंप्लीट कर लो हाँ तब मैं मैगजीन जीएस पढ़ो। कंप्लीट करने के बाद मैगजीन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैगजीन के ज्यादातर पार्ट है ना वो जीएस में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, यस उस सर। इसलिए मैंने बोला था। अब मैं अगर आपसे बोलूँ डायरेक्ट जीरो से आप पढ़ो और डायरेक्ट मंथली मैगजीन पढ़ने बैठ गए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पता ही नहीं चल पाए और मैं यूज नहीं कर पाऊँ। तो मैगजीन कैसे पढ़ना है, योजना कुरुक्षेत्र कैसे पढ़ना है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में आपको बता दूँ कि इनको यूज कैसे करना है, काम कैसे करना है। एक बार वो समझ जाओ उसके बाद आपको वो अप्लाई करना है, तो घबराए मत। कोचिंग देखो करंट के लिए आप ज़्यादा टाइम मत, मतलब कोचिंग दे करके ज़्यादा नहीं, आप इन्हीं को पढ़िए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको पूछिए। सर मुझे मतलब एक हफ्ते बाद लगता है कि नहीं ज्वाइन कर लो पता नहीं होगा नो कि मैम नहीं होगा। विश्वास रखो खुद पे थोड़ा सा, उसको पढ़ो अच्छे से। अभी आप ज़्यादा ज्वाइन करोगे ना कुछ करंट की चीज़ों को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, फिर आप सर उसके चक्कर में कहीं अपना मेन क्वालिटी बेसिक पे ना गिरा दो। और सर मैं आंसर बिल्कुल नहीं लिख पा रही हूँ सर, क्या करें? आंसर का मैंने आपसे बोला भी था पहले भी शायद,
आप ना अच्छा बुरा लिखो एक बार, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी सोच पा रहे हो ना लिखो, या आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है ना उसको लिखो, चाहे वो रिलेटेड टू क्वेश्चन हो या मत हो, एक स्टार्टिंग करो ताकि आपकी एक हैबिट में। अब जैसे आपको गाइड किया जाएगा कि आप इसमें ये ऐड करो, अगली बार आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी, तो अगली बार जब आंसर राइटिंग करोगे तो आप सोचोगे यानी पिछले बार के क्वेश्चन ऐसा आया था उसमें ऐसे आया था, इस बार क्वेश्चन में ये पूछा गया मुझे ऐसे करना, तो चीज़ें ऐड होती है। अब लेट्स अपने मन में ये डर बैठा के बैठे होंगे कि नहीं मुझे नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे स्टार्ट करूं, ये सोचते सोचते आपका समय निकल जाएगा, पता नहीं बहुत ज्यादा नहीं, जब दूसरे का क्वेश्चन देखती हूँ तो मतलब हाँ लगता है कि हाँ ये तो मुझे भी पता था, मैं क्यों नहीं लिख पाई। इसलिए आप एक बार स्टार्ट कीजिए, अच्छा एक बार सोचो कि पहले दिन मैडम आपको कई बार हमें डर लगता है नहीं मैं कॉपी शेयर करूंगा, कोई देखेंगे पड़ेगा क्या, अरे कोई कुछ भी सोच आप लिखो, है ना, मेरे पास जैसे 15-20-50 को बताते मुझे देखता हूँ ऑब्जर्वेशन करके, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही लिखा है, अपनी मेहनत तो आपने की, अगली बार मेरा ये टारगेट रहता है कि नहीं अगली मैं उसमें ऐड करके देखता हूँ, आराम से आपको कमेंट डालता हूँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, ऐसा काम हो जाएगा। हम आपको अब जिस तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेन किए कल हमने, आपको बताया कि क्वेश्चन ने ये कहा ये करना है, बस वही करना है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा स्टार्ट करो, आप लिखने की नहीं लिखोगे नहीं, सोचते रहोगे मैडम टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। सर लेकिन फ्री का क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व हो जाता है, उसको लेकर कोई हताश नहीं, फ्री में आपको क्वेश्चन दिखता है, ठीक है ना, यस सर, इसलिए ऑप्शन लगाने में आपका माइंड क्लिक कर जाता है, मेंस में आप हैबिट में डालोगे तो अपने आप आ जाएगा ये भी चीज। मेंस का मतलब अब यही नहीं समझ में आ रहा था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखना था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में सर उस दिन, क्योंकि मैं सबका क्वेश्चन देखी आंसर देखी सर, तो मतलब लगा कि हाँ पहले ईस्ट इंडिया के बारे में लिखना था, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक के रूप में आई और देश व्यापार, उसी को व्यापार को उन्होंने चेंज कर दिया अपने राजनीतिक हितों के लिए, और यही उस क्वेश्चन की डिमांड थी, बस इतना ही करना था, और मुझे पता है पक्की इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये, लेकिन कुछ भी करो एक बार स्टार्ट करो, अपने अपने आप आपकी माइंड सेट क्वेश्चन को लेकर के सही हो जाएगा, लेकिन आप एक बार स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट जरूर करना है। सर सब लोग बोलते हैं कि जो टॉपिक पढ़ो उससे क्वेश्चन सॉल्व करो उसका, क्वेश्चन मैं इसलिए कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ उस पार्ट को सबको, नहीं मैं भी कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो अब उसको एटलीस्ट ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन ड्राफ्टिंग कर लो, हाँ इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, मेन बॉडी में हो सकता है, पूरी तरह अगर उसको फ्रेम नहीं कर पाओ तो उससे क्या है जो आपने पढ़ा है ना उसको थोड़ा यूज कर अप्लाई करके देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ। सर हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कहाँ से मिलता है सर, प्रीवियस ईयर में तो उतना ज्यादा है ही नहीं। मैडम क्वेश्चन तो जैसे आप इतना ही क्यों टेंशन करो, जैसे एनसीईआरटी की कोई किताब में से उठा के देख लो उसी को लिख लो, जरूर थोड़े यूपीएससी का ही क्वेश्चन हो, ठीक है ना, वो आपकी एक आदत में आ जाएगी। ओके सर थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी दोस्त का कोई डाउट सर, आप कल ना ज्योग्राफी स्टार्ट कर ही दीजिए, अब थोड़ा लेट हो गया है ना। करेंगे मैडम, हमें भी अपना काम, मुझे भी इस बार थोड़ा, मैं भी मेंस पे फोकस कर रहा हूँ, हालांकि रिजल्ट तक मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक बार रिजल्ट आ जाए, लेकिन ज्योग्राफी करवाएंगे, करवाऊंगा मैं उसमें, लेकिन सैटरडे संडे ही वीडियो बना पाऊंगा उसमें। आप थैंक यू सर, है ना, ठीक है ना, अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो पूछ लेना उसमें, आप पढ़ते रहिए, डाउट हो पूछ लेना सर। हाँ हाँ मैडम। सर जैसे सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट सर कवर करें आपका, ऐसा देखो मैं आपको बताता हूँ, अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग होते हैं किताब को लेकर बैठेंगे शाम तक खत्म करके रखेंगे, उनके प्लान होते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि आप उसी को फॉलो करो, मेरा विचार है कि 2-3 किताब लेके चलो ताकि आपका माइंड थोड़ा सा बोरिंग ना हो, ठीक है ना, तो 2-3 सब्जेक्ट लेके चलो, भाई मुझे इस रेंज में सब्जेक्ट करना है, 2-3 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हो, वो ठीक है, 6 सब्जेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, 3 ले सकते हो, तो कितना टाइम कभी हो पाएगा, और आपने अकॉर्डिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हो, 2-3 ऐसे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कोई एक कोई आपको कोई आइडिया ले, ओके सर। ओके नेक्स्ट, किसी और का क्वेश्चन है कोई, अभी कुछ लोग जुड़े हैं, और कोई डाउट हो प्लीज पूछ लिए, अदरवाइज हम बाइंड अप करते हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कोई पूछ नहीं रहा तो। यस मैडम पूछिए। मैं पूछूं? हाँ पूछिए। मैं ये बोल रही हूँ सर कि जो आप टॉपिक वाइज देते हैं उसको एज ए कंटेंट हम रख सकते हैं ना। हाँ एज ए कंटेंट रख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं, मैं भी जैसे एग्जांपल आपको, जैसे मेरे नोट्सों में एक लिमिट तक है, मुझे वहाँ फैक्ट ऐड करना पड़ता है, मैं कई चीज़ें सर्च करके उसमें लिख देता हूँ, और फिर मुझे विश्वास है कि इस टॉपिक का कोई फैक्ट मुझे बचा नहीं, ठीक है। जैसे सर हिस्ट्री में तो सेम ही रहते हैं, उसमें तो कम ही अपडेशन रहता है, अपडेट करना अपडेशन नहीं है,
हाँ हिस्ट्री में तो सेम ही रहेंगे, लेकिन हाँ देखो अगर ऑप्शनल वालों के लिए अलग माइंड सेट हो जाएगा, ऑप्शनल में कई खोजबीन चल रही है, उनकी उनका भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, बाकी जीएस के लिए सेम है। आपको अगर एक बार पढ़ लिया तो इसको पॉइंट आउट करो, अपडेट जैसे नहीं होगा, सर लेकिन अपडेट करना साइंस की नई खबर का मतलब नहीं, कोई पुरानी खबर ही हमें और अच्छे से मिल गई हो उसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर दिया हो उसके लिए। अच्छा जैसे यूपी पीसीएस में अब तो मेंस हटा वो क्या कहते हैं वैकल्पिक विषय हटा दिया है ना, हाँ तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अगर लगभग लगभग क्या कहते हैं उसको एज ए रिफरेंस रखूँ आपके वाले का, फिर अपडेशन करती रहूँ उसमें, जैसे साइड साइड में कुछ भी हो चल रहा हो तो उसको अपडेट करती रहूँ करंट अफेयर के साथ, तो एज ए उसको कंटेंट रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल कंटेंट रख सकते हैं। और सर मुझे एक और पूछना है कि जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन को हम अगर फॉर्मेटिंग करते जाए साथ साथ में तो बेनिफिट रहेगा कि नहीं? बिल्कुल बेनिफिट रहेगा, आपका माइंडसेट तुरंत एग्जाम में भी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर देगा। हमारा सबसे बड़ा समस्या होता है क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं होती हमसे, इन्फॉर्मेशन का तो भंडार होता है, क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग टफ होती है। हाँ तो ऐसे कर सकती है कि जो अनसॉल्व है मेंस के उसको बिल्कुल लेके मैंने मेरे एक पीडीएफ आपको शेयर की होगी, मैंने ऐसे ही किया, उनको कम से कम 300-400 क्वेश्चनों को फॉर्मेटिंग किया है, ठीक है ना, हाँ, हाँ, उससे हाँ, काफी हेल्प होती है मुझे खुद उससे। उस टाइम से ही मुझे पता लगा क्वेश्चन को पकड़ना कैसे, अब क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाएगा मैं फॉर्मेटिंग करने में 30 सेकंड लगाऊंगा, इंट्रो में ये होना चाहिए, मेन बॉडी में होनी चाहिए और कंक्लूजन में होनी चाहिए। हाँ मेरा कमी है कि मेरे पास कई बार फैक्टों की कमी पड़ जाती है, वो तो पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो आपको अच्छा ये चीजें हम लगभग लगभग एक महीना मतलब कर सकते हैं साथ में लेके, जैसे कि इसको मतलब पूरा मतलब हमेशा पूरे साल भर करते रहें, जैसे आधा घंटा दे कभी 15 मिनट दे कभी 1 घंटा दे, जैसे शुरुआती दौर में रहते हैं उस हिसाब से कम करते जाएं तो लास्ट में हमारा हो सकता है अच्छे से तैयार हो जाएगा लास्ट तक। और ड्राफ्टिंग करने में अगर आपका माइंडसेट आपने रिवीजन कर रखा है पढ़ रखा है, ड्राफ्टिंग करने में क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगते हैं। और अगर मैंने नहीं पढ़ रखा है फिर भी मतलब मैं ये फिर भी कि आपको देखो नहीं पढ़ रखा है इसका मतलब ये कि आपके पास फैक्ट नहीं, इंट्रो में ही हाँ इंट्रो में हम ये लिखेंगे मेन बॉडी में हम ये लिखेंगे ये तो आप क्वेश्चन पता के डिजाइन के आधार पर देख सकते हो उसको। और उससे एक फायदा ये होगा कि कंटेंट जब आप कोई टॉपिक कर... पढ़ोगे तो आपका माइंड काम करेगा मुझे ये टॉपिक और पता होना चाहिए, ठीक है। और उसको एज ए कंटेंट के रूप में जैसे लिख सकते हैं मतलब रख सकते हैं उसको, रखो लिख सको और जब भी कोई फैक्ट आया उसको ऐड कर दो बस। सर और ये एक चीज और लास्ट चीज मेरी है ये पूछना है कि मतलब खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए प्रीलिम्स के एंड मेंस के भी यूपीएससी के लिए? एक्चुअली में आप एक ही नोट होने चाहिए मेंस के और उसी मेंस में बीच बीच में आप डालते रहो प्री के फैक्ट भी, फैक्ट अब आजकल सब लेने पड़ते हैं तो मेंस के लिए भी फैक्ट जरूर होते हैं प्री के लिए फैक्ट जरूर होते हैं, कुछ टॉपिक होते हाँ, हैं स्पेसिफाई जो प्री में आते हैं मेंस में नहीं आते उनके लिए आप अलग से केवल प्री के फैक्ट बना सकते हैं, नहीं तो जो आप पढ़ो क्वालिटी पढ़ रहे हो ऐसा पढ़ो जो प्री मेंस सब हो जाए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, और मतलब उसके नोट्स बनाते चले जाएं अगर बन पा रहा है बोलते तो, हैं अपनी लैंग्वेज रहेंगे तो आपको बार बार किताब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जैसे एनसीईआरटी का था मतलब मैम करवाई थी तो वो ऐसे हो जा रहा था हाँ, उससे सर ऐसे हो एक जाएगा कि आपको दोबारा किताब नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी मान लो दोस्तों कोई चीज भूल गए किताब के असिस्टेंस ले सकते हो लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है सर, और अगर मतलब करना चाहे तो लगभग 6 घंटे 7 घंटे दे मैक्सिमम तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस एक चीज ये पूछना है कि एनसीईआरटी में कितने दिन में अपना कंप्लीट कर दूं। नॉर्मली अगर आपको एग्जाम देनी है तो जल्दी जल्दी खत्म जितनी जल्दी हो सके उतनी खत्म करने की कोशिश करें। और मतलब मैं एक चीज और पूछ रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मतलब प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ में देखती चलूं? जरूर रखना उनके क्वेश्चनों को। हाँ तो ये करते हुए अगर 2 महीने का लगभग लग जा रहे हैं फिर भी नहीं, आप एक बार अच्छे से पढ़ गए तो उसके बाद आगे टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन थोड़ी स्पीड जितनी कर सको उतनी ज्यादा स्पीड करना, ठीक है। और एक्चुअली सर एक क्वेश्चन और पूछना कि मतलब एक बार हम बस वैसे ही रेफरेंस मतलब लगाते चले जाएं रीडिंग और नेक्स्ट टर्म में फिर देखते रहें, क्योंकि एक हमारा माइंडसेट हो जाएगा कि अच्छा प्रीलिम्स का भी साथ साथ देख रहे हैं और मेंस का भी देखते रहिए ताकि आपका एक माइंडसेट बना रहे। अच्छा बुक एक ही बार पढ़ना है कि 2 बार पढ़ सकते बुक हैं? को आपको पहली बार रीडिंग माने दूसरी बार उसमें से इन्फॉर्मेशन देनी है, पहली बार रीडिंग में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा वही लेकिन वही समझते मतलब हुए पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कहानी तरफ पढ़ते हैं, लॉजिक ये लाइन लिखी है इसका लॉजिक क्या है। ठीक 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 ओके थैंक नेक्स्ट। यू सर। हेलो सर। हाँ तो हेलो सर, मैं यस ये यस पूछना चाहता था कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या सर, अगर हम ट्रेडिशनल बुक जो है। देखो दुनिया में कुछ भी कोई भी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आप चाहे एग्जाम किसी की भी तैयारी करो मतलब आप सर उस किताब को बिना पढ़े भी एग्जाम पास कर जाओ, उसी जगह कोई ना कोई सपोर्टिंग और चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मतलब सर हाँ वही यम लक्ष्मी का आपने सारा दिया हुआ है उससे हम क्वेश्चन का आंसर भी हल कर सकते हैं सर, क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं इसीलिए। अब मैं आपको अतुल एक चीज बताता हूँ, आप मेरे एक वीडियो है एनसीईआरटी का 30 क्लास की एनसीईआरटी का एक वीडियो बनाया मैंने,
ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25-30 मिनट का होगा, उसको देखना, तब आप यूज कर पाओगे कि एनसीईआरटी का क्या रहा है। एनसीईआरटी को आप केवल प्री के लिए मत सोचो, आपकी लक्ष्मीकांत किसी भी मेंस के क्वेश्चन का आंसर देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। चाहे भी क्वेश्चन को उठा के देख लो आप, मेंस में GS2 के अंतर्गत पॉलिटी में, पॉलिटी के जो क्वेश्चन घुमा के आते हैं ना, आपने लैंग्वेज देखी होगी अगर पॉलिटिक क्वेश्चनों की, GS2 की डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया एक बार, कैग आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चनों को एनालिसिस करने के लिए एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना मतलब आप पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, ना पढ़ोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि कई चीज़ों में आपको थोड़ा सा अगर आपका बेसिक में कोई दिक्कत है, बहुत सारे क्योंकि UPSC क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं भाई, आपको एक किताब के भरोसे बैठ के हम पूरी तरह वो नहीं कर सकते, तो वो बेसिक आप एनसीईआरटी आपको लैंग्वेज बताएंगी, एनसीईआरटी आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताएंगी, एनसीईआरटी आपको फैक्ट देंगी, एग्जाम्पल देंगी, केस स्टडी देंगे, बहुत सारी चीज़ एनसीईआरटी के अंदर पड़ी हुई है, बस उसको निकालना आपको आना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ एनसीईआरटी का इसलिए फेवर करता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंडेटरी उसको नहीं पढ़ के हमारा काम नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन वो उसको पढ़ लोगे तो आपके एक वैल्यूएशन दमदार हो जाएगा। ओके सर, क्लास 11 की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस मैम। सर क्लास 11 की एनसीईआरटी भूगोल की। क्लास 11 की एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की? भूगोल। सर ज्योग्राफी। अच्छा ज्योग्राफी की, काफी इम्पोर्टेंट पढ़ी है आप लोगों ने। सर मैं पढ़ रही हूँ ना इसलिए मुझे लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत बेसिक क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी, लेकिन प्लीज मैपिंग जरूर यूज करना, ठीक है। सर पीसीएस में इस बार उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत आएंगे, अरे किसी भी क्वेश्चन में यूपीएससी के बहुत सारे स्टेटमेंट इस बार देखोगे आप, वहीं से उठ के आए बहुत जगह एनसीईआरटी से। सर यूपीएससी में हमको लगता है सर गुप्त काल से ज्यादा आता है, गुप्त काल और ये सर बुद्ध और वो हमारे एक माइंडसेट होगा ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एक एनालिसिस किया है ना, आपने एक अनुमान लगा सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके लेट्स, इसको समय आ गया बंद करें अगर, क्योंकि अब बहुत समय हो गया, 10:30 बज चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हेलो सर। यस यस। टाइम सर जब भी आप ये लाइव सेशन लेते हैं उसका टाइम बता दीजिए करें। नॉर्मली मैं 9 बजे समथिंग लेता हूँ। ओके सर। नॉर्मली या 9 से 9:30 हो सकता है, लेकिन 9 से पहले नहीं ले पाता, क्योंकि मेरा ये होता है 7 बजे ऑफिस आता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ। मैं आज पहली बार ज्वाइन हुआ ना सर, इसीलिए सैटरडे संडे हो सकता है समय पहले हो जाए, बाकी 5 डे 9 बजे से पहले नहीं होगा समय। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है, जो आपने महासिरी चला रखी है पॉलिटी की, अगर उसको भी करें तो वो सही है, मतलब अगर बेसिक क्लियर ना हो तो फिर किस चीज के लिए आंसर राइटिंग के पॉलिटी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए मतलब आपने चला रखा है ना पॉलिटी और इकोनॉमी बेसिक, मतलब वो जो मैंने अपने बड़ा वीडियो बना रखे हैं पहले से। हाँ 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 हाँ। मैं अगर उस वीडियो को अगर आप समझ गए ना, तो पॉलिटी का एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाए मेंस में तो गारंटी, और प्री में 90% क्वेश्चन सही कर दो, 100% की नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति का क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया वो एक फैक्चुअली था, हालांकि उसका आंसर देने में अगर लॉजिक लगाया था तो मेरे नोट्स से हो जाएगा, लेकिन वहाँ लॉजिक लगाना बहुत जरूरी था। तो मेंस के क्वेश्चन आपके गारंटी ले लो, आप किसी भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप उनमें से आंसर दे पाओ पॉलिटिकल, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे पॉलिटिकल मेरे नोट्स पे, मैं इकोनॉमी के नहीं कहूंगा लेकिन पॉलिटिकल में पूरा विश्वास है। और हिस्ट्री भी आपने पढ़ा रखा है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से उसमें चीजें, मतलब मेरा यूपीपीसीएस फोकस्ड है ना, इस वजह से मैं पूछ रही हूं। नहीं हां फैक्ट मैंने लिए मेरे किसी भी नोट्स में, इस बार मैंने फैक्ट नहीं छोड़ा, फैक्टों का खूब भंडार मैंने डाला उसमें, फैक्ट इस बार लिए क्योंकि मुझे पता है फैक्ट बहुत जरूरी है, तो हेल्प ले सकते हो आप। हाँ, वही और मेंस आप यूपीपीसीएस का दो, लेकिन जब आपके क्वेश्चनों में विश्लेषण होगा ना तो आप अदर यूपीपीसीएस के स्टूडेंट से प्लस नंबर चले जाओ, ठीक है ना। तो कभी पॉलिटिकल आंसर लेकर हो, जैसे मान लें एक क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले बोला डलोजी को लेकर के बोला था, या पता नहीं किसको लेकर बोला था, डलोजी का था क्या? है ना, डलोजी मतलब वही जो 1856 के समय था, 1848 से 1856 के समय वही था डलोजी, ठीक है ना। तो डलोजी का क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसको आप जनरली स्पेक्ट्रम में पढ़ो, डलोजी ने ये योजना चलाई हो, मतलब रेलवे चलाई जो भी, यही लिखते हो, दैट इज द ठीक है ना। अब डलोजी में जो काम कर रहा था ना औद्योगिक पूंजीवाद से कर रहा था, अब औद्योगिक पूंजीवाद शब्द लिखोगे आपको क्वेश्चन एकदम प्लस मान जाएगा, एग्जाम अगर थोड़ा भी हिस्ट्री का समझदार उसको पता लग जाएगा इस बंदे को बहुत कुछ मान लेगा। औद्योगिक पूंजीवाद के आधार पर ही डलोजी जो सारा काम कर रहा था, जो आप फैक्ट पढ़ रहे हो ना उसका पहला बेसिक है वो कर क्यों रहा इन चीजों को, डलोजी ने किस तरीके से
चाहे उसने धन जो भी आपको अवध के उसको हटाया, जो भी है उसने दत्तक पुत्र वाली जो प्रथा है वो कम, निजाम को हटाया और फिर क्या कहते हैं बिकॉज ऑफ उसके बिहाइंड क्या बैकग्राउंड था। अगर उसको एग्जाम में दिखाओगे ना तब आप प्लस में चले जाओगे, और वो हर किसी वो किसी स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। हाँ सर, ये भी है ना कि यूपीपीसीएस वाले मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डायरेक्ट पूछते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट जोड़ के दोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। हाँ ये इसमें रहता है कि डायरेक्ट करके, और यूपीएससी में तो काफी मतलब यस, मुश्किल है समझ में, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर जाने कभी भी। हाँ इसलिए हमारा तो मतलब आंसर राइटिंग कराया, कल मैंने आंसर राइट किया, तो किस तरीके से फैक्चुअली को फैक्चुअलिटी को कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। पढ़ाई में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन कोई कम नहीं होती, आप कैसे चीजों को प्रेजेंट करो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आंसर राइटिंग। अरविंद जी आपका कोई क्वेश्चन है? अतुल जी ने पूछ लिया, अरविंद आपका क्वेश्चन है? अरविंद हेलो सर, नमस्ते। हाँ सर, करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सर ये है कि जैसे बाद में रिवीजन के लिए क्या करेंगे सर, क्योंकि सारा मैगजीन तो एक साथ पढ़ा नहीं जा सकता, तो क्या करें सर? नोट्स बनाए तो सर मतलब अभी जैसे हमारा क्या है पूरा सिलेबस अच्छे से कमांड नहीं है, तो लगता है उसमें कि सारा चीज सारा चीज नोट। मैं ये कहूंगा थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आप एक एक महीने के लिए पोस्ट कर सकते हो, उससे पहले आपका सिलेबस कवर कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो मैं, ठीक है ना? तो फिर आपको ज्यादा टाइम ठीक है। और सर एटलस में जैसे मैपिंग के लिए एटलस में सर ब्लैक स्वान का एक आता है और एक ऑक्सफोर्ड स्कूल, ऑक्सफोर्ड तो सर यूज करते हैं हम लोग है ना, तो आप ऑक्सफोर्ड यूज करते हो भी यूज कर लो, दोनों ऑथेंटिक ही थे, उन दोनों में कोई सा भी देख सकते हो। ओके सर। और सर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के लिए जो सर अभी मृणाल सर का जो जैसे कहीं कहीं पे जो नोट्स मिल जाता है जैसे अन अकेडमी पे जो चलता है, तो अभी तो हमारे पास एक है 2020 वाला, तो उससे कर रहे हैं सर, लेकिन यही है कि उसके वीडियो के साथ ही समझ पाओगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो वीडियो भी है सर, वीडियो है लेकिन उसमें कुछ शायद नहीं, बिना वीडियो समझ पाना चाहिए लिखी हो जाती है। जी जी सर, और कोई इकोनॉमिक्स के लिए सर कुछ कंटेंट तो मुन्ना सर का बहुत बढ़िया होता है। हाँ हाँ, एक बार समझना आपके बस की बात होगी, अच्छे समझ गए तो बहुत कुछ कर पाओगे, उसमें बहुत अच्छे से चीजें होती है, ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगा। कंटेंट तो यार आपको एक किताब फॉलो, किताब की हेल्प तो ले ही लेना, बिकॉज किताब आपको एक थोड़ा सा ब्लंड मतलब एक बेसिक और थोड़ा डेवलपमेंट वाली चीज दे देती है, किताब में बहुत सारी चीजें थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देती है, कहानी तरह बताना तो सर, समझाना सर। अभी अभी जैसे मेंस के लिए भी डाटा चाहिए, तो डाटा तो मुरडाल सर से मिल जाता है, मिनरल सर के उसमें बहुत मिलेगा आप, मिल जाता है सर, लेकिन मेंस के लिए जो फ्लो एक आंसर में रहे वो अगर कोई बुक हो जो या कोई किसी सर का अच्छी तरीके से, कोई ऐसी किताब तो है नहीं यूपीएससी के मेंस के आंसर के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है ना जी? लेकिन आप बोलते हो फ्लो, वो फ्लो मिलता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा करो, फ्लो किस तरीके से प्रेजेंट करते हो आप देखा करो, एक चीजों कैसे कनेक्ट करते हो एनसीईआरटी किताबों। सर वैसे अभी अभी तो सर मतलब हिस्ट्री का कर रहे हैं, एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेकिन समझो उसके ट्रेंड को, उसको पढ़ो नहीं, मुझे समझना है यार देखो कैसे कोई बात प्रेजेंट कर रही है, जब भी मेरा मतलब सर प्रीवियस आएगा तो मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू, चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।